Yeah, good evening everyone. I welcome all of you to this demo session for the DAMS Ultimate Live App course. All right. So, आज का टॉपिक मैंने क्या चूज किया है? सिफिलिस. ठीक है. तो जो टैगलाइन मैंने पोस्टर में डाली थी, कोई मुझे टैगलाइन बता सकता है? टैगलाइन ये थी कि ये सिर्फ दिखने में टेढ़ा है, पढ़ने में टेढ़ा नहीं है. अब टेढ़े मेढ़े से क्या मतलब है? व्हाट डू आई मीन बाय टेढ़ा मेढ़ा, नॉट स्ट्रेट? आई विल कम टू दैट इन अ कपल ऑफ मिनट्स. बट बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक सिफिलिस पर से, लेट मी एम्फसाइज अपॉन द फैक्ट दैट यू नो स्पायरोकीट्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनपे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. नो मैटर वॉट फील्ड यू टेक इन फ्यूचर, यू शुड यू नो अबाउट इन्फेक्शियस डिजीजेस. और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई इन्फेक्शन कम इम्पॉर्टेंट है या ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. इन्फेक्शन इज इन्फेक्शन इज इन्फेक्शन एंड इट इज इम्पॉर्टेंट, मतलब अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट. तो देर इज अभी आज की डेट में कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऑर्गेनिज्म पे मतलब रेयर है या क्या है. यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है. एंड स्पेशली दिस टॉपिक सिफिलिस इज एनी वेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्पेशली आज की डेट में न्यूरो सिफिलिस इज मेकिंग अ कम बैक. इफ यू सी पबमेड, यू नो गूगल करोगे पबमेड, तो इसके अभी बहुत सारे केसेस ऑलरेडी हैं. न्यूरो सिफिलिस इज मेकिंग अ कम बैक इन दी सेटिंग ऑफ एड्स. ओके, सो दिस एज अ होल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. चाहे आप सेकेंड ईयर में हो और प्रॉफ एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप नीट, नेक्स्ट, INICET, USMLE किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. एंड बाय द वे, द पर्पस ऑफ लर्निंग समथिंग शुड नॉट बी जस्ट टू क्रैक एग्जाम्स, एनी एग्जाम्स. द पर्पस इज टू अक्वायर गुड नॉलेज सो दैट यू कैन अप्लाई दैट इन द मैनेजमेंट ऑफ योर पेशेंट्स इन फ्यूचर. ठीक है. तो सिफिलिस डिजीज पे आने से पहले एक ओवरव्यू कि हम क्या समझते हैं बाय द टर्म स्पायरोकीट्स. स्पायरोकीट्स ना, स्पायरो का क्या मतलब है भाई? स्पायरो का मतलब है स्पाइरल. कीट मींस हेयर लाइक. सो बेसिकली स्पायरोकीट्स इज अ ग्रुप ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स, इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया. स्पायरोकीट्स आर नथिंग बट स्पाइरल ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. तो पहली बात तो मॉर्फोलॉजी समझनी है. स्पाइरल होते हैं. और हेयर लाइक से क्या मतलब होता है? हेयर लाइक से ये मतलब होता है कि दीज आर स्लेंडर. ओके, लेट मी हाईलाइट एस ऑफ स्पायरोकीट्स, एस ऑफ स्लेंडर. स्लेंडर का मतलब क्या है? दीज आर वेरी थिन. दीज आर वेरी वेरी थिन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, बहुत थिन, बहुत पतले होते हैं. अब वेरी थिन से और क्या सोचोगे? देखो, अगर सोचो, अगर मतलब हर चीज के पीछे, अधिकतर चीजों के पीछे रादर देर इज सम और दी अदर लॉजिक. एंड इफ यू रिमेंबर दीज लॉजिकल थिंग्स, देन इट विल बी अ केक वॉक टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दैट ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो ये वेरी थिन से क्या इंप्लीकेशन है? ये हम क्यों बस रट्टे मारने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं? तुम्हें पता होना चाहिए कि दे आर कितने थिन, लेस देन 0.1 माइक्रोन्स इन विड्थ. तो इसी वजह से दे कांट बी सीन, दे मोस्ट ऑफ देम रादर, ये एक जनरल सी स्टेटमेंट है. ठीक है, दे कांट बी सीन अंडर कौन सा माइक्रोस्कोप? अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप से कम है इनकी विड्थ. क्या होती है आरपी या रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप? 0.2 माइक्रॉन्स. ठीक है, तो जब इनकी विड्थ ही लेस देन है उस रिजॉल्विंग पावर से, तो आप इनकी इनको उम्मीद मत रखना कि ये दिख जाएंगे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर. बट देर आर सर्टन एक्सेप्शन, बट एक्सेप्शन बाद में. ठीक है, तो स्पायरोकीट इस टर्म को मैंने डिसाइड कर दिया, स्पायरल होते हैं. ठीक है, हेयर लाइक, बहुत थिन होते हैं. एंड अगेन गाइस, S फॉर, देखो, S फॉर स्पायरोकीट्स, S फॉर सिलेंडर, S फॉर स्पायरल हो गया. और कुछ सोच सकते हो? S से क्या लिख सकती हूँ मैं? आंसर मी इन द चैट बॉक्स. हाँ जी अभिषेक, दिस इज डेमो क्लास फॉर द डैम्स अल्टीमेट लाइव ऐप कोर्स. क्या लिखूं? और S से कुछ माइंड में आ रहा है? फाइट फाइट करके कुछ भी माइंड में आता है? बताओ. This fight, that fight, लड़ने वाली फाइट नहीं, PHYTE. और क्या लिख सकती हूं?
अब तो मैंने बता ही दिया, ना बता के भी बता ही दिया सब कुछ। बताओ बताओ, वेटिंग फॉर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। बहुत बढ़िया। अरे सल्फा सालाजीन, इतना बढ़िया नाम कौन हो भाई, सल्फा सालाजीन ऐसा नाम क्यों रखा? ओके वेरी गुड। सिल्वर सिंह पे बाद में आऊंगी, बट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर राइट नाउ इज दे आर सैप्रोफाइट्स, मतलब मेनी ऑफ देम, सारे नहीं ठीक है, मेनी ऑफ देम आर सैप्रोफाइट्स। कहाँ पे? पानी में, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड पानी जल एंड सीवेज में। तो सम ऑफ देम आर, सॉरी मेनी ऑफ देम आर सैप्रोफाइट्स एंड सम ऑफ देम आर पैरासाइट्स। सम ऑफ देम आर पैरासाइट्स, इनके बारे में भी हम बात करेंगे ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे स्पायरोकीट्स, ये एक ग्रुप होता है। एंड जो इम्पॉर्टेंट जेनेरा आप लोगों को याद रखना है, द इम्पॉर्टेंट जेनेरा। इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी आर ऑल मेडिकोज ठीक है, तो वी आर गोइंग टू बी रिस्ट्रिक्टिंग आर सेल्स टू ओनली मेडिकली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सैप्रोफाइट से हमारे को मतलब नहीं है, अनलेस एंड अंटिल सम सैप्रोफाइट इज इन्फेक्टिंग एन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन, इन विच केस इफ दैट सैप्रोफाइट विल ऑल्सो बिकम इंपॉर्टेंट ठीक है। तो जो डिजीज कॉज करते हैं, मतलब मेडिकली इंपॉर्टेंट जेनेरा जो है, दैट इज ओके ओके। अच्छा गाइस एक मिनट रुको जरा, जस्ट 1 सेकेंड। क्या दिख रहा है अभी यहां पे? बेल्ट। बेल्ट से क्या सोचोगे? स्पाइरल। ये क्या है? एक स्पाइरल बेल्ट मैंने ड्रॉ की है। स्पायरल बेल्ट, तो BELT, ई जो है वो वॉवल है, उसको इग्नोर कर दो और BLT को याद करोगे, बोरेलिया लेप्टोस्पायरा एंड ट्रिपोनीमा ठीक है। बोरेलिया लेप्टोस्पायरा एंड ट्रिपोनीमा। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट जेनेरा क्या होंगे? BELT, बोरेलिया लेप्टोस्पायरा
एंड ट्रिपोनिमा। यस यस, अभी वीडियो कनेक्ट हो रहा है, वन सेकेंड। ओके अभी ठीक है वीडियो, आई होप इट इज फाइन नाउ, आई एम बैक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जेनेरा क्या थे? बोरेलिया, लेप्टोस्पायरा एंड ट्रिपोनिमा। ठीक है, स्पायरल बेल्ट से याद करोगे, ये वाली स्पायरल बेल्ट। ऑल राइट, तो अभी तक हमने क्या देख लिया? इंपॉर्टेंट जेनेरा कौन से होते हैं? ये स्लेंडर होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं अधिकतर, एंड दे आर स्पायरल। ठीक है, तो अब इनके नाम हमने जान लिए, बोरेलिया, लेप्टोस्पायरा, ट्रिपोनिमा, एंड मैंने क्या बताया, दे आर स्पायरल ऑर्गेनिजम्स लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ऐसे स्पायरल स्पायरल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके नाम। ठीक है, अब देखो क्या लिखूं मैं इसमें, अगर मुझे कुछ लिखना हो तो मैंने क्या बताया, बेल्ट, बी ई एल टी। पहले वाला है बोरेलिया, ई से कुछ नहीं था, ये है लेप्टोस्पायरा, और सबसे राइट वाली क्या है भाई, ट्रिपोनिमा। देखो बोरेलिया, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आई विल राइट डाउन एवरीथिंग विच यू आर सपोज टू राइट। बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में जो लेडी है, मैं उसे नहीं जानती हूँ, मुझे उसका नाम नहीं पता, पर उसके बालों को देखो, दे बाय द वे तीनों के बाल कर्ली कर्ली है ना, मेरी तरह स्ट्रेट नहीं है, तो ऐसे कर्ली कर्ली बालों को दिखा के मैं क्या याद करवाना चाहती हूँ, बोरेलिया के, बोरेलिया जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बोरेलिया बैक्टीरिया, उनके जो स्पायरल्स होते हैं बहुत लूज होते हैं। ठीक है, नंबर वन, तो बिल्कुल लेफ्ट वाली लेडी जो भी है इसका नाम, दैट इज बोरेलिया, उसके बालों को देखो, बी फॉर बोरेलिया, बी फॉर बिग। तो बोरेलिया इज दी इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पायरोकीट विच इज बिग इनफ टू बी सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोपी, बिकॉज बोरेलिया ऑर्गेनिजम्स दे टेक अप जीएमसा एंड अदर ब्लड स्टेन्स। ठीक है, अब बीच वाली को देखो, इसका भी मुझे नाम नहीं पता, मैं बॉलीवुड फैन हूं बाय द वे, मुझे हॉलीवुड का कुछ भी नहीं, हैच भी नहीं पता। लेप्टोस्पायरा, लेप्टोस्पायरा की देख रहे हो बीच वाली जो लेडी है, ठीक है, सुंदर बहुत है, उसके कर्ल्स देखो इतने टाइट 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 है, तो लेप्टोस्पायरा जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो कर्ल्स होते हैं ना स्पायरल वाला, उसमें वो गैप बहुत कम होता है, तो द टाइटेस्ट कॉइल्स, द टाइटेस्ट कॉइल्स आर इन लेप्टोस्पायरा। और एक्सट्रीम राइट को देखो, इसे हम सब जानते हैं, ठीक है, ये आजकल चर्चा में भी है और ये चर्चा में ही रहती है हमेशा, तो ये ना इधर के ना उधर के, मतलब इसके जो कॉइल्स है ना वो बहुत टाइट नहीं है लेप्टोस्पायरा की तरह, और बहुत लूज भी नहीं है। ठीक है, बहुत लूज भी नहीं है, आई होप दिस इज क्लियर। तो बेल्ट को ही याद करो और इसी प्रकार से याद करो। ठीक है, कंगना एकदम राइट वाली, बी से बिल्कुल लेफ्ट वाला बोरेलिया, वो सबसे खुले हुए कॉइल्स बोरेलिया वाले, सबसे टाइट वाले बीच वाले लेप्टोस्पायरा के, और कंगना ना इधर की है अभी फिलहाल ना उधर की, समझ में आया ये? अच्छा, तो अभी हमने देख लिया, तो अब इसको हम लिख लेते हैं, बोरेलिया B for Borrelia. Borrelia is big enough to be seen, big enough to be seen under light microscope. It takes up
क्यों? इट टेक्स अप जीएमसा एंड अदर ब्लड स्टेन्स. लेप्टोस्पायरा हैज गॉट टाइटेस्ट कॉइल्स बोरेलिया के होते हैं. थैंक यू अन्वेशा. बोरेलिया के होते हैं. मोस्ट लूज कॉइल्स एंड ट्रिपोनीमा के इंटरमीडिएटली लूज. ठीक है. तो देखो वैसे ग्राम स्टेन तो हम करते नहीं है क्योंकि मैंने क्या बताया कि वो इतने पतले हैं ये सारे स्पायरोकीट्स. बट फिर भी अगर हम इनकी मतलब हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो जस्ट लाइक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स इनके इनका स्ट्रक्चर भी वैसा ही रहता है. कैसे? अंदर से बाहर जाओगे तो सबसे पहले द साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन विच बाय द वे इज ट्राई लैमिनर. उसके बाद एक स्पेस होता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस. फिर आती है हमारी आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है. तो आउटर मेम्ब्रेन किसमें होती है? ग्राम नेगेटिव में. तो स्ट्रक्चर के आधार पे ये ग्राम नेगेटिव माने जाते हैं. ओके. स्ट्रक्चर के आधार पे दीज आर कंसिडर्ड टू बी ग्राम नेगेटिव. तो अगर मैं इसका डायग्राम, थैंक यू सो मच यश, तो अंदर से बाहर जाएंगे तो ये सबसे अंदर वाली लेयर जो हो गई वो क्या है? दैट इज सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. और ये ट्राई लैमिनर है. ये तो मैं स्केमेटिक डायग्राम है, एक्चुअल अभी दिखाती हूं. ठीक है. तो इसके बाद एक और मेम्ब्रेन जो मैंने ऑरेंज कलर से बना दी. ये वाली कौन सी है? आउटर मेम्ब्रेन. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है. तो ये ऑरेंज वाली आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये वाला क्या है बीच में? दिस इज द पेरिप्लाज्मिक स्पेस. ऑल राइट. ठीक है. तो ये तो इनका स्ट्रक्चर हो गया कि भाई इनका जो मतलब स्ट्रक्चर है दैट इज दीज आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. कोई पूछे ग्राम पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या बोलोगे? ग्राम नेगेटिव है. ठीक है. अब ये स्पाइरल हैं तो ये स्टाइलिश हैं. तो स्टाइलिश लोग मतलब क्या कहते हैं, फ्लैम्बॉयंट होते हैं एक तरह से, कि भाई थोड़ा स्टाइल मारेंगे ना, इधर उधर दिखाएंगे. तो ये भी स्टाइल मारने के लिए क्या करेंगे? शुड दे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल? ऐसे सोचो, स्टाइल मारना है तो इधर उधर फिरना पड़ेगा ना. तो फिरने फिराने के लिए मोटाइल होने चाहिए या नॉन मोटाइल होने चाहिए? मोटाइल होने चाहिए. ठीक है. तो मोटाइल के लिए क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है बताओ मोटाइल होने के लिए? या सीलिया या फ्लाजिला. सीलिया तो होता नहीं है बैक्टीरिया में. सीलिया कहां पे आता है? प्रोटोजोन में. बैक्टीरिया के पास फ्लाजिला होता है. तो फ्लाजिला इनके पास भी होता है, लेकिन अब स्टाइलिश हो के भी ये मतलब कुछ कुछ चीजें अपने पास रिजर्व करते हैं. क्या मतलब है? सब कुछ नहीं बताएंगे. ठीक है. थोड़े छुपे रुस्तम टाइप होते हैं. क्या नहीं बताएंगे कि हमारे पास, क्या दिखाएंगे नहीं कि हमारे पास फ्लैजेला है. तो इनका फ्लैजेला ना बाहर की तरफ दिखता नहीं है. इनका फ्लैजेला ऐसे अराइज होता है. कोई बढ़िया सा कलर, चलो ब्लू कलर ले लेते हैं. जुकरबर्ग का फेवरेट कलर. ठीक है. फेसबुक वाला कलर, ऐसे वाला. ठीक है. तो ये पोल से मैंने ये ब्लू ब्लू क्या बनाया? ये फ्लैजेला है जो कि बाहर प्रोजेक्ट नहीं कर रहा. इट इज फोल्डिंग बैक इनटू द पेरिप्लाज्मिक स्पेस लाइक दिस. ठीक है. और अगर देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये डॉटेड लाइन क्या है? ये इसका लॉन्ग एक्सेस हो गया है ना. तो ये जो फ्लैजेला है ये दे आर अराइजिंग फ्रॉम द पोल्स ऑफ द बैक्टीरिया. दे आर अराइजिंग फ्रॉम द पोल्स. वन सेकेंड.
एंड दे आर फोल्डिंग बैक इन टू द पेरीप्लाज्मिक स्पेस, इसीलिए इनको क्या बोलते हो, एंडोफ्लैजेला. ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए सारे, जैसे मैंने यहाँ पे चार बना दिए, ठीक है, दीस आर एंडोफ्लैजेला, एंडोफ्लैजेला, एंड बिकॉज दे आर पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बैक्टीरिया, दे आर नोन एज एक्सियल फिलामेंट्स. ठीक है, एक्सियल फिलामेंट्स, और ये मल्टीपल होते हैं, नंबर डिपेंड्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ स्पायरोकीट्स. ठीक है, एंडोफ्लैजेला और एक्सियल फिलामेंट्स हो गए. तो ये स्टाइलिश हैं क्योंकि ये स्पायरल हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भी शो ऑफ तो करेंगे तभी फिरे मतलब फिरना फिराना इनको पसंद होगा, तो इसका मतलब ये मोटाइल है, लेकिन बहुत ज्यादा घमंडी टाइप भी नहीं है, और इसी वजह से अपने फ्लैजेला को बाहर ऐसे मतलब शो ऑफ नहीं करेंगे. ठीक है, एंडोफ्लैजेला, एक्सियल फिलामेंट्स. तो व्हेन वी आर सेइंग दीस आर मोटाइल ऑर्गेनिजम्स, नेक्स्ट व्हाट यू शुड रिमेंबर कि भाई इनकी कौन कौन सी मोटिलिटी होती है, कोई बता सकता है द टाइप ऑफ मोटिलिटी, द टाइप्स ऑफ मोटिलिटी इन स्पायरोकीट्स, द टाइप्स ऑफ मोटिलिटी को कैसे याद रखोगे, सी एफ टी, ये तीन चीजें, ये तीन लेटर्स याद रखो, सी से क्या, कॉक्सक्रू, F से फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एंड T से ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन और स्प्रिंग लाइक एक्शन, स्प्रिंग लाइक एक्शन. ये तीन प्रकार की मोटिलिटी इनके इन ऑर्गेनिजम्स के पास होती है, कॉक्सक्रू, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन और स्प्रिंग लाइक एक्शन. ठीक है, कॉक्सक्रू इज लाइक दिस, फ्लेक्शन एक्सटेंशन इस तरह से पता है, और ट्रांसलेटरी मोशन स्प्रिंग लाइक एक्शन से क्या मतलब है, जैसे स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं और फिर रिलीज कर देते हैं, इट सरपासेस इट्स ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्प्रिंग लाइक एक्शन और ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, अच्छा एक चीज और, जो हमने यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन बनाई थी, ये रही आउटर मेम्ब्रेन. वी ऑल नो आउटर मेम्ब्रेन इज नथिंग बट यू नो इट इज ऑल्सो फोस्फोलिपिड बायलेयर जस्ट लाइक द सेल मेम्ब्रेन विथ सम एडिशनल प्रोटीन्स. ठीक है, तो इसमें अब इनकी जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है ना स्पायरोकीट्स की, इसका एक और खास इसकी एक और खास बात होती है, एंड व्हाट इज दैट, इसके वेरी फ्यू प्रोटीन्स आर एक्सपोज, द आउटर मेम्ब्रेन वेरी फ्यू प्रोटीन्स आर यू नो एक्सपोज आउटसाइड. तो इसीलिए क्या होता है, इसकी जो फॉरेन प्रोटीन्स होंगे इस ऑर्गेनिज्म के पास, उनको वो दे वोंट बी वेरी वेरी इजिली विजिबल टू द इम्यून सिस्टम. दैट इज वाई, दैट इज हाउ दे आर एबल, दीज प्रोटीन्स आर एबल टू एस्केप फ्रॉम द इम्यून रिस्पॉन्स. इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्टेल्थ ऑर्गेनिजम्स. ओके, दीज आर नोन एज स्टेल्थ ऑर्गेनिजम्स, These are known as stealth organisms. Guys, समझ में आ गया? ठीक है. और इनको देखना light microscope में हम देख नहीं सकते, तो कौन सा important माइक्रोस्कोपिक टेक्निक आपको यूज करनी पड़ेगी, डार्क ग्राउंड और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी. इट इज यूज फॉर स्पायरोकीट्स, डार्क ग्राउंड और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप. नाउ सी दिस एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, रिच इन लिपिड्स एंड ऑल्सो सम स्पेसिफिक प्रोटीन्स, देन एंडोफ्लैजेला, फिर तुम्हारी आगे पेरीप्लाज्मिक स्पेस में और क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, द ट्राई लैमिनर सेल मेम्ब्रेन, एंड लुक एट दिस, दिस इज द स्पायरल मॉर्फोलॉजी, दीज आर द एक्सियल फिलामेंट्स. ठीक है, अगर एक्सियल फिलामेंट का ये कट सेक्शन हम देखें तो ये ऐसे दिखेगा, सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन, फिर आउटर मेम्ब्रेन हो गई, फिर ये रहे आपके कट सेक्शन में आपको दिख रहे हैं एंडोफ्लैजेला एंड एक्सियल फिलामेंट, और यू नो एंडोफ्लैजेला इट रोटेट्स अराउंड द सेल. ठीक है, अब देखो तो बेल्ट बोरेलिया लेप्टोस्पायरा ट्रिपोनिमा हो गया. आज का हमारा टॉपिक क्या है, इट स्वप्नाय घोष, द मोटिलिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिलिटीज आर सीन इन डिफरेंट काइंड ऑफ स्पायरोकीट्स. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैव गॉट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिलिटीज. ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक जो है सिफिलिस, दैट इज कॉज्ड बाय व्हाट, ट्रिपोनिमा पैलिडम. ठीक है, ट्रिपोनिमा पैलिडम.
अच्छा, ट्रिपो मीन्स व्हाट? ट्रिपो मीन्स टू टर्न एंड नीमा मीन्स थ्रेड, ठीक है? तो थ्रेड से एक वही मतलब हुआ कि बहुत पतले ऑर्गेनिजम्स हैं, ट्रिपो मीन्स टू टर्न, इनकी मोटिलिटी इस प्रकार की हो रही है, कॉकस्क्रू टाइप। एंड पैलेटम नाम क्यों दिया गया इसका? बिकॉज पेल स्टेनिंग होती है, पेल स्टेनिंग ऑन जीएमसा स्टेन, इसीलिए ना जीएमसा स्टेन। इसके लिए इफ यू आर सस्पेक्टिंग दीज ऑर्गेनिजम्स, जीएमसा स्टेन यूजली करते नहीं है। व्हेन दीज ऑर्गेनिजम्स वर अंडर स्टडी एंड दे वर ट्रीटेड विद जीएमसा स्टेन, इट वॉज फाउंड आउट, इट वॉज ऑब्जर्व दैट दे टेक अप पेल कलर ऑन जीएमसा स्टेन, दैट इज हाउ दी ऑर्गेनिज्म वॉज नेम्ड एज पैलिडम, ठीक है? नेम्ड एज पैलिडम। अगर ये तो ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और, ट्रिपोनीम्स जो होते हैं ना, जैसे मैंने शुरू में बताया था, सारे के सारे डेंजरस नहीं होते हैं, चाहे सारे के सारे स्पायरोकीट्स डेंजरस नहीं होते हैं, मेनी ऑफ देम आर सैप्रोफाइट्स। वन सेकेंड गाइस, इट इज आई डोंट नो व्हाई इट इज फ्लिकरिंग, एक सेकेंड। सो यू हैव गॉट पैथोजेनिक ट्रिपोनीम्स, वन एग्जाम्पल इज ट्रिपोनीमा पैलिडम, ठीक है? एंड यू हैव गॉट नॉन पैथोजेनिक ट्रिपोनीम्स, नॉन पैथोजेनिक ट्रिपोनीम्स, ठीक है? तो ऑब्वियसली पैथोजन, जो पैथोजेंस हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट, दे आर नॉट प्रेजेंट इन आर बॉडी। नॉन पैथोजेनिक आर प्रेजेंट इन आर बॉडी एज कमेंसल्स, और कहाँ कहाँ पे कमेंसल्स मिलेंगे? एज कमेंसल्स इन दी ओरल कैविटी, जीआईटी, आई मीन इंटेस्टाइन्स एंड जेनिटेलिया, एंड जेनिटेलिया, ठीक है? नॉन पैथोजेनिक का एक एग्जाम्पल याद करो, रीटर्स स्ट्रेन, रीटर्स स्ट्रेन ऑल्सो नोन एज ट्रिपोनीमा फेज डेनिस, ठीक है? अगर आई डोंट नो, आई थिंक शायद कुछ लोगों ने सुना हो, डेनिस द मेनिस एक शो आता था बहुत सालों पहले, ठीक है? व्हेन आई वाज अ किड, सोनी टीवी पे आता था डेनिस द मेनिस, सोनी पे आई थिंक 5 बजे आता था। तो वो वाले डेनिस को याद करोगे, ठीक है? ट्रिपोनीमा फाज डेनिस, नॉन पैथोजेनिक इज रीटर स्ट्रेन। और पैथोजेनिक की बात करें, अगर बात करें जो डिजीज कॉज करता है, दैट इज ट्रिपोनीमा पैलिडम, ट्रिपोनीमा पैलिडम। ओके दिव्या, टू आंसर योर क्वेश्चन, एंडोफ्लैजेला विल बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ अ सेल कैन बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मोटिलिटी यू कैन सी अंडर डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप। ओके, नाउ ट्रिपोनीमा पैलिडम जो पैथोजन है ना, ट्रिपोनीमा पैलिडम के इनिशियली क्या था कि बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज ट्रिपोनीमा पैलिडम एंडेमिकम वगैरह देवर क्लासिफाइड, बट लेटर ऑन इट वॉज फाउंड आउट कि भाई ट्रिपोनीमा पैलिडम इज ओनली वन स्पीशीज एंड इट हैज सेवरल सब स्पीशीज, एंड दो सब स्पीशीज कॉज डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस, ठीक है? जैसे कि हमारे पास है ट्रिपोनीमा पैलिडम सब स्पीशीज पैलिडम, ट्रिपोनीमा पैलिडम सब स्पीशीज पैलिडम, ये क्या करता है? इट कॉजेज द बीमारी सिफिलिस, ठीक है? सिफिलिस। देन यू हैव गॉट ट्रिपोनीमा पैलिडम सब सब स्पीशीज एंडेमिकम। अच्छा, इसको ऐसे लिख लो, इट इट कॉजेज वेनेरियल सिफिलिस, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ, ये वेनेरियल सिफिलिस का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सिफिलिस। सो सेक्सुअल इंटरकोर्स इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस सब स्पीशीज एंड देर आर अदर मोड्स ऑल्सो, जिसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे। तो इसको हम वेनेरियल सिफिलिस बोलते हैं, और सब स्पीशीज एंडेमिक, एंडेमिकम क्या कराता है? एंडेमिक सिफिलिस, एंडेमिक सिफिलिस। देन ट्रिपोनीमा पैलिडम सब स्पीशीज पर्टेन्यू एंड सब स्पीशीज और क्या है? कैरेटियम, ठीक है? अब दो ऐसे मैं बीमारियां बताऊंगी जिसमें प्राइमरीली स्किन इन्वॉल्व होती है, योर्स एंड पिंटा, ठीक है? पिंटा
पी फॉर पिंटा, पी फॉर कॉन्टिन्यू, बट रिमेंबर पी इज नॉट कॉस्ट बाय पी, वी लाइक प्रियंका चोपड़ा पीसी, तो राइट right? तो पी और सी पहले याद करोगे, पर्टिने एंड कैरेटियम एंड योर्स एंड पिंटा, पी इज नॉट कॉस्ट बाय पी, तो पिंटा को नीचे लिखोगे, कैरेटियम कॉजेस पिंटा, ठीक है, और ये ऊपर वाला कॉजेस पर्टिने कॉजेस योर्स, और इन तीनों सब स्पीशीज के द्वारा जो ये यू नो बीमारियां होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वी क्लब देम अंडर नॉन वेनेरियल, मतलब नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, दीज थ्री सब स्पीशीज कैनॉट बी ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, दीज आर रेफर टू एज नॉन वेनेरियल और नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ट्रिपोनीमाटोसिस, ट्रिपोनीमाटोसिस, ऑल राइट प्रियंका चोपड़ा या पर्सनल कंप्यूटर कैसे भी याद आने से मतलब है, और हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन क्या है, आज की चर्चा का विषय ट्रिपोनीमा पैलिडम सब स्पीशीज पैलिडम, जो कि वेनेरियल सिफिलिस कॉज करता है, वेनेरियल सिफिलिस कॉज करता है। अब देखो ट्रिपोनीमा पैलिडम, सबसे पहले तो इसके मोड्स ऑफ इन्फेक्शन या मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, सेक्सुअल रूट, तभी हम बोलते हैं वेनेरियल सिफिलिस, देन एक तो ये प्लस ट्रांसप्लेसेंटल, ट्रांसप्लेसेंटल, ठीक है, तो एक प्रेग्नेंट लेडी कैन पास इट इफ इन्फेक्टेड कुड पास इट ऑन टू द बेबी एंड द बेबी कैन डेवलप कॉन्जेनाइटल सिफिलिस, जो आप पीडियाट्रिक्स में अच्छे से पढ़ोगे, देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अब यहाँ पे आई विल टेल यू कि भाई जो ब्लड होता है ना, ब्लड बैंक्स में इट इज स्क्रीन फॉर अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड यू शुड नो द नेम्स ऑफ फ्यू, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताती हूँ, एक तो MS याद करोगे, ठीक है, मलेरिया, सिफिलिस, सिफिलिस जो हम पढ़ रहे हैं, देन मलेरिया हो गया, और HC3 याद करो, HIV, HBV एंड HCV, दो हेपेटाइटिस वायरसेस बी एंड सी एंड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो ये आर द डिजीजेस फॉर विच ब्लड इज स्क्रीन्ड, डिजीजेस फॉर विच ब्लड इज स्क्रीन्ड, ठीक है, तो ये हमारे हो गए मोड्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ ट्रिपोनीमा पैलिडम, ठीक है। अब अगर तो हम वेनेरियल सिफिलिस की बात करते हैं, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड सिफिलिस की बात करें, तो किसी भी डिजीज में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनक्यूबेशन पीरियड कितना है, 9 to 90 days, एवरेज समझ लो 6 हफ्ते, 6 weeks, ठीक है, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रूल ऑफ सिक्स, बस याद करने के पर्पज के लिए, विच आई विल टेल यू इन अ फ्यू मिनट्स, ठीक है, इसलिए मैंने 6 weeks अभी बता दिया। तो इनक्यूबेशन पीरियड के बाद क्या होगा, मतलब आफ्टर द इनक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, वी विल सी कि पेशेंट किन किन स्टेजेस में प्रोग्रेस करेगा अगर उसको ट्रीट ना किया जाए, ठीक है, सो आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड वी आर गोइंग टू हैव डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सिफिलिस, जैसे कि सबसे पहले प्राइमरी सिफिलिस, प्राइमरी सिफिलिस, ठीक है, ये एक लोकलाइज्ड मैनिफेस्टेशन होगी इन्फेक्शन की, इसमें क्या होगा, देयर विल बी सिंगल पेनलेस, सिंगल पेनलेस जेनाइटल अल्सर विच इज हार्ड टू टच और पैल्पेट, नोन एज हार्ड शैंकर, ठीक है, हार्ड इसलिए बोल रहे हो क्योंकि इट इज हार्ड टू टच और पैल्पेट, ऑल्सो नोन एज हंटेरियन शैंकर, हंटेरियन शैंकर, शैंकर इज नथिंग बट एन अल्सरेटिव लीजन, ठीक है, तो एक जेनेरिक टर्म है, यहाँ पे हम हार्ड सिफिलिस वाले शैंकर को बोलते हैं हार्ड शैंकर क्योंकि हार्ड टू टच होता है, एंड और हंटेरियन शैंकर, हंटेरियन क्यों बोलते हैं भाई, हंटेरियन शब्द कहाँ से आ गया, ठीक है, नई नई चीज़ों को जानने की उत्सुकता होनी चाहिए, हंटेरियन बाय द वे फॉर एग्जाम्पल हैज़ बीन यू नो द नेम ऑफ द शैंकर इज कॉल्ड एज हंटेरियन क्योंकि आफ्टर सर जॉन हंटर,
सर जॉन हंटर हु हैड डिस्टिंग्विश्ड गोनोरिया फ्रॉम सिफिलिस. ठीक है, उन्होंने इन दोनों बीमारियों गोनोरिया और सिफिलिस में डिस्टिंग्विश किया था. तो उनके ऑनर में क्या बोलते हैं, शंकर को हंटेरियन शंकर भी बोलते हैं. एक तो भाई तो प्राइमरी सिफिलिस में एक तो ये जेनाइटल मैनिफेस्टेशन ये हो गई, प्लस देर इज गोइंग टू बी पेनलेस रीजनल दैट इज पेनलेस इंग्विनल लिम्फेडेनोपैथी. पेनलेस इंग्विनल एलेनपैथी. हाय ऐश्वर्या, दिस इज अ डेमो क्लास गोइंग ऑन. द टॉपिक इज सिफिलिस. दिस इज डॉक्टर ममता जावा. दिस डेमो क्लास इज बीइंग कंडक्टेड फॉर द डैम्स अल्टीमेट लाइफ ऐप कोर्स. ओके, देखा ये प्राइमरी सिफिलिस हो गया. अच्छा, अब एक बढ़िया सा बॉक्स बना के जरा लिखो. एच में एस और एस में एच, क्या मतलब हुआ भाई? गैस मारो. चलो, हार्ड शंकर किसमें होता है? सिफिलिस. और सॉफ्ट शंकर, सॉफ्ट शंकर को क्या बोलते हो? कौन सी बीमारी? शैंक्रॉइड. किसमें होता है? हिमोफिलस ड्यूक्रेआ में. ठीक है, तो एच में एस और एस में एच. आया समझ? अब मान लो, अच्छा ये जो लीजन्स होती है ना, दे आर हाइली इन्फेक्शियस. ये शंकर, ठीक है, लिम्फ नोड्स, हाइली इन्फेक्शियस लीजन्स. अभी तो डिजीज लोकलाइज्ड है. हैव अ लुक एट दिस. प्राइमरी सिफिलिस विद अ फर्म नॉन टेंडर शंकर. ठीक है, अब मान लो इस पेशेंट को हमने ट्रीट नहीं किया तो क्या होगा? द पेशेंट विल एंटर, ये जो बाय द वे जो ये लिम्फेडेनोपैथी और जो शंकर है ना, ये हील हो जाएंगे एंड इनकी हीलिंग में तकरीबन लगेगा 6 वीक्स का टाइम. ठीक है, तो अब इसको लिखो. इफ नो ट्रीटमेंट इज गिवन, इफ नो ट्रीटमेंट गिवन the lesion heals in approximately 6 weeks. ठीक है, तो lesion को heal होने में 6 weeks लगते हैं. उसके बाद the patient will enter the stage of secondary syphilis. Now secondary syphilis में खास बात क्या है? This is a generalized infection. ठीक है, generalized infection. इसमें ऑर्गेनिजम्स भ्रमण कर रहे होते हैं ब्लड में, इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं. सो इट्स अ जनरलाइज्ड इन्फेक्शन. देर इज अ जनरलाइज्ड स्किन रैश, तभी सिफिलिस को और क्या बोलते हो? सिफिलिस को बोलते हो ग्रेट पॉक्स, और इस रैश के बारे में अगर बात करें, द रैशेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, दीज आर स्मॉल स्मॉल रैशेस, स्मॉल मैक्यूलर मतलब फ्लैट. ठीक है, रेड रैश ऑन द बॉडी, इंक्लूडिंग पाम्स एंड सोल्स. पाम्स एंड सोल्स आर इन्वॉल्व, इंक्लूडिंग पाम्स एंड सोल्स. ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने बताया बैक्टीरिया ट्रैवल कर रहे हैं ब्लड में है, तो एक तो जनरल मैनिफेस्टेशन होगी जनरलाइज इन्फेक्शन की, भाई की पूरी बॉडी पे रैश हो गया, प्लस जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी, देन ओरल म्यूकोजल पैचेस, ओरल म्यूकोजल लीजन्स और पैचेस, प्लस मल्टीपल पेनलेस
जेनाइटल लीजन्स, रिमेंबर प्राइमरी सिफिलिस में जेनाइटल लीजन थी लेकिन वो सिंगल थी, पेनलेस थी, यहाँ पे मल्टीपल जेनाइटल लीजन्स होंगी वो भी पेनलेस है. सो मल्टीपल पेनलेस जेनाइटल लीजन्स नोन एज कॉन्डाइलोमा लाटा. ठीक है, हाय मनीष कुमार पटेल, दिस लाइव सेशन एवरीबडी इज वेलकम टू अटेंड. It's being conducted for the DAMS Ultimate Life App course. All right, the topic is syphilis. This is Dr. Mamta. ठीक है, if you are free, please you are welcome to attend. Condyloma lata. ठीक है, तो ये एक generalized infection हो गया. अगर अभी भी कुछ नहीं किया, if you don't do anything now, मतलब you don't treat the patient, तो क्या होगा? If no treatment given, again these lesions heal, but it doesn't mean cure. It again doesn't mean cure. It does not mean cure. तो क्या होगा? Some patients. Enter the stage of latent syphilis. अब latent syphilis की खास बात क्या होगी भाई? इसके नाम से पता चलता है, latent मतलब छुपा हुआ, छुपा रुस्तम. तो इसमें ये क्या छुपा रहा है? इसमें patient को no clinical features, patient will be asymptomatic. ठीक है, no clinical features होंगे. But there will be positive serological tests. ये definition है इसकी. अब latent syphilis में भी 66% patients, 66% patients में total resolution हो जाएगी. Resolution मतलब कि there is no progression to tertiary syphilis. ठीक है, इसका मतलब बाकियों का क्या हाल होगा? बाकी लोग will enter the stage of latent syphilis. And this occurs after around six years. ठीक है, अब टर्शरी सिफिलिस पे आते हैं. अच्छा, उससे पहले हम एक फोटो देखेंगे. सी दिस सेकेंडरी सिफिलिस, कैन यू सी? देर आर टू पिक्स लेफ्ट एंड सॉरी थ्री पिक्स लेफ्ट वन, मैक्यूलोपैपुलर ट्रंकल इरप्शन. ठीक है, मैंने बताया जनरलाइज्ड रैश होता है तभी सिफिलिस को ग्रेट पॉक्स भी बोलते हैं. बीच में देखो पैप्यूल्स ऑन द पाम्स. क्या होता है? मैक्यूल्स जो होते हैं ना, दे कैन प्रोग्रेस टू द स्टेज ऑफ पैप्यूल्स एंड पस्ट्यूल्स ऑल्सो. ठीक है, और बिल्कुल राइट में पैप्यूल्स ऑन द सोल्स. तो पाम्स एंड सोल्स आर अफेक्टेड. ठीक है, दैट वॉज द पॉइंट टू मेक. अच्छा, अगर हम टर्शरी सिफिलिस की अगर बात करते हैं, अब ये भी कितने प्रकार का हो सकता है? इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं. गमैटस सिफिलिस, ठीक है, देन दिल और दिमाग खराब होना, कार्डियोवास्कुलर सिफिलिस एंड न्यूरोसिफिलिस. ठीक है, गम, हिंदी में क्या? गम, उदासी, मायूसी. पहले गम आएगा, फिर दिल खराब होगा, फिर दिमाग खराब होगा. ठीक है, गमैटस सिफिलिस. देखो गमैटस, और जितने लोग, हाउ मेनी ऑफ यू बाय द वे हैव द हैबिट ऑफ बोल बोल के याद करना? बाय द वे इट वर्क्स वेरी वेल इन यू नो रिमेम्बरिंग स्टफ. बोल बोल के याद करना, रट्टे मारना, तो बोल बोल के याद करना पर्सनली आई फील हेल्प्स अ लॉट. ठीक है, जस्ट सेम गमैटस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गम्मा ग्रैनुलोमा, ये बोल बोल के अगर मतलब इसको बोलोगे तो याद हो जाएगा कि दीज आर ग्रैन्यूलो. गम्मा इज नथिंग बट ग्रैन्यूलोमा, दीज आर ग्रैन्यूलोमैटस लीजन्स. ठीक है,
गमेटस सिफिलिस को और क्या बोलते हो? दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज बेनाइन टर्शरी सिफिलिस, दिस इज ऑल्सो नोन एज बेनाइन. अरे वाह, स्वप्न घोष, शताक्षी, मैं भी, इंद्राग्नि. ओके नाइस. ठीक है, इवन आजकल भी मतलब व्हेन आई रीड समथिंग ना, इवन मैं कभी, वैसे तो मैं नॉवल उतने पढ़ती नहीं हूँ, अभी मैंने एक स्टार्ट किया हुआ है तो वो मैं पढ़ती हूँ, तो मैं अपने रूम में ऐसे बोल के पढ़ती हूँ, मतलब बोल के पढ़ना अच्छा लगता है. बेनाइन टर्शरी सिफिलिस. बेनाइन टर्शरी सिफिलिस, ठीक है, ग्रैनुलोमेटस लीजन्स, गम्मा ग्रैनुलोमा, बेनाइन टर्शरी सिफिलिस. और ये जो, तो ग्रैनुलोमेटस लीजन्स को क्या बोलते हो आप? गमास. ठीक है, गमास, ग्रैनुलोमेटस लीजन्स नोन एज गमास. दे कैन अकर एनी वेयर इन द बॉडी, दे कैन अकर, इसको ऐसे लिख लो, कैन अकर एनी वेयर इन द बॉडी, बट द मोस्ट कॉमन साइट्स, बट द मोस्ट कॉमन साइट्स आर बोन्स एंड स्किन. गमास इन द स्किन आर पेनलेस, वेर एज गमास इन द बोन आर पेनफुल. ठीक है, डीप ग्नोइंग पेन होती है बोन वाले गमास में. एंड रिमेंबर, गमास आर नॉन इन्फेक्शियस, दीज आर नॉन इन्फेक्शियस, दीज आर नॉन इन्फेक्शियस. ऑल राइट, नाउ बिकॉज आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस, तो लेट मी राइट इसके नीचे, इसके नीचे अबाउट दी कार्डियोवास्कुलर सिफिलिस. नाउ कार्डियोवास्कुलर सिफिलिस में क्या मैनिफेस्टेशन होगी भाई? इसमें असेंडिंग एओर्टा, दे विल बी, इसको इस लिखो, अन्यूरिज्म. ठीक है, अन्यूरिज्म का क्या मतलब हुआ? सिंपलेस्ट वर्ड्स में, वीकनिंग ऑफ द ब्लड वेसल की वॉल. सो अन्यूरिज्म ऑफ अन्यूरिज्म इन्वॉल्विंग द असेंडिंग एओर्टा एंड आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा. एंड व्हाट इज द रीजन? ब्लड वेसल कमजोर क्यों होनी चाहिए? व्हाट इज द पैथोलॉजी बिहाइंड इट? द पैथोलॉजी बिहाइंड इट इज, ऑब्लिटरेटिव एंड आर्टराइटिस. ठीक है, इसके नाम में ही सब कुछ मेंशन्ड है. ऑब्लिटरेटिव, ऑब्लिटरेशन होगी, क्यों? क्योंकि एंड आर्टराइटिस. ठीक है, तो देर विल बी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस इन दी ब्लड वेसल्स. ऑब्लिटरेटिव एंड आर्टराइटिस ऑफ दी वासा वेसोरम. वासा वेसोरम क्या होता है? ब्लड वेसल्स सप्लाइंग ब्लड वेसल्स. ऑब्लिटरेटिव एंड आर्टराइटिस ऑफ वासा वेसोरम सप्लाइंग असेंडिंग एओर्टा एंड आर्च ऑफ एओर्टा. ठीक है, दैट इज वाई द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल यू नो वीकन्स एंड अन्यूरिज्म अकर्स. एंड इफ एओटिक वेल्व रिंग इज इन्वॉल्व, इफ एओटिक वेल्व रिंग इज इन्वॉल्व, इट कैन लीड टू एओटिक रीगर्जिटेशन और ए आर. एओटिक रीगर्जिटेशन और ए आर ऑल्सो नोन एज एओटिक इनसफिशियंसी, एओटिक इनसफिशियंसी. ठीक है, सो दीज आर दी मैनिफेस्टेशंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिफिलिस. इसके बाद आते हैं न्यूरोसिफिलिस. न्यूरोसिफिलिस, अब न्यूरोसिफिलिस अलग अलग प्रकार से यू नो मैनिफेस्ट कर सकता है, जैसे कि द पर्सन कुड बी एसिम्टोमैटिक. एसिम्टोमैटिक मतलब कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, लेकिन इफ यू कलेक्ट द सी एस एफ सैम्पल देन देन अ सर्टन वी डी आर एल टेस्ट विल बी पॉजिटिव. ठीक है, एक तो ये, दूसरा द पेशेंट कैन हैव सब एक्यूट मेनिंजाइटिस,
सब एक्यूट मेनिनजाइटिस. इसमें द सी एस एफ विल हैव यू नो जनरली क्या बोलते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं दे कॉज प्यूरुलेंट मेनिनजाइटिस, मतलब सी एस एफ विल हैव प्रेडोमिनेंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स, बट यहाँ पे सी एस एफ विल हैव प्रेडोमिनेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स, प्रेडोमिनेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स, इंक्रीज लिम्फोसाइट्स, इंक्रीज प्रोटीन एंड डिक्रीज ग्लूकोज. ठीक है, इन द एंटायर बैक्टीरियोलॉजी गाइज देर आर ओनली टू बैक्टीरिया विच कॉज दिस काइंड ऑफ मेनिनजाइटिस विद लिम्फोसाइटिक प्रेडोमिनेंस. कैन एनीवन नेम दैट अदर बैक्टीरियम? एक तो मैंने बता दिया ट्रिपोनीमा पैलिडम, ठीक है, ट्रिपोनीमा पैलिडम. ऑल्सो सिमिलर पिक्चर इन ऑल्सो इन ट्यूबरक्यूलर मेनिनजाइटिस. ठीक है, ट्यूबरक्यूलर मेनिनजाइटिस. ठीक है, सो इन जनरल वी से बैक्टीरिया कॉज प्यूरुलेंट मेनिनजाइटिस विद न्यूट्रोफिलिक प्रेडोमिनेंस इन द सीएसएफ, बट लिम्फोसाइटिक प्रेडोमिनेंस इज सीन इन सब एक्यूट मेनिनजाइटिस कॉज बाय ट्रिपोनीमा पैलिडम एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस. गुड, उसके बाद तो ये एसिम्टोमेटिक एक मैनिफेस्टेशन होगी, या फिर मेनिनजाइटिस हो सकता है, या फिर ओके दिस इज टू. थर्डली मेनिंगो वास्कुलर सिफिलिस, मतलब ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन आर ऑल्सो इन्वॉल्व मेनिंगो वास्कुलर सिफिलिस. ठीक है, ब्लड वेसल्स लाइक सर्कल ऑफ विलिस इन्वॉल्वमेंट, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? स्ट्रोक लाइक फीचर्स. ठीक है, स्ट्रोक लाइक फीचर्स. ओके, तो एक दो तीन हो गया, एसिम्टोमेटिक, सब एक्यूट मेनिनजाइटिस, मेनिंगोवास्कुलर सिफिलिस. चौथा, जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देती हूं, चौथा क्या हो जाएगा? टेप्स डॉर्सालिस. इसमें क्या है? स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट. स्पेशली पोस्टीरियर कॉलम एंड डॉर्सल रूट्स. और पांचवा, जनरल पेरिसिस. इसको पहले बोलते थे जनरल पेरिसिस ऑफ द इनसेन, ऑफ द इनसेन, मैं ऑफ द इनसेन ब्रैकेट में लिख रही हूं बिकॉज कई बुक्स ने अब ये एलिमिनेट कर दिया है, दे सिंपली मेंशन जनरल पेरिसिस बिकॉज ऑफ द इनसेन बोलना डेफिनेटली इज यू नो नॉट गुड, इट साउंड्स वेरी डेरोगेटरी यू नो टू कॉल अ पेशेंट लाइक दिस. तो ये बहुत बुक्स ने हटा दिया है, बट आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है कि पहले इसे बोलते थे. ठीक है, ठीक है, इट इज ओल्ड डिस्क्रिप्टिव तरीका ऑफ जनरल पेरिसिस. नाउ अभी इसको सिर्फ इतना ऐसे बोलते हो, जनरल पेरिसिस. ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज अ, इसमें पेशेंट विल हैव मेंटल डिटीरियोरेशन, तो इट्स अ न्यूरो साइकियाट्रिक इलनेस, न्यूरो साइकियाट्रिक इलनेस कैरेक्टराइज बाय मेंटल डिटीरियोरेशन. ओके, तो हमने देख लिया कि भाई सिफिलिस कौन करता है, सिफिलिस की हमने स्टेजेस देख ली हैं. नाउ गाइस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ डायग्नोसिस ऑफ दिस कंडीशन. ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और बता देती हूँ, जो हमारा ये ट्रिपोनीमा पैलिडम होता है ना, ट्रिपोनीमा पैलिडम जो है इसका कोई एनिमल रिजर्वॉयर नहीं है, नो एनिमल एंटरटेन्स दिस, नो एनिमल रिजर्वॉयर. ठीक है, इट इज अ स्ट्रिक्ट ह्यूमन पैथोजन, सिर्फ इंसानों को ये तंग करेगा, एंड दैट इज वाई यू नो इट इज एन एक्सेप्शन, इट इज एन एक्सेप्शन टू, क्या लिखूं आगे, इट इज एन एक्सेप्शन टू, हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी? अरे भाई, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी सर रॉबर्ट कॉक. ओके, इट्स एन एक्सेप्शन टू कॉक्स पोस्टुलेट्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि भाई इट कैन नॉट बी ग्रोन इन एनी एनिमल, दैट इज द कारण और द रीजन ऑफ इट बीइंग एक्सेप्शन टू कॉक्स पोस्टुलेट्स, सर कॉक्स पोस्टुलेट्स. ठीक है,
वेरी गुड. हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी? सर लुइस पास्टर. ठीक है, देर इज नो मदर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हर जगह फादर है. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो एक चीज और, अच्छा ये देर इज बाय द वे दिस बाय द वे पैथोजेनिक ट्रिपोनिम की ही बात हो रही है. एंड ऑल्सो इसका एक और खास पॉइंट क्या है कि भाई पैथोजेनिक ट्रिपोनिम जो होते हैं ना, लाइक ट्रिपोनिमा पैलिडम, कांट बी ग्रोन. पैथोजेनिक स्ट्रेन्स द पैथोजेनिक स्ट्रेन्स कांट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया. कौन सैड है भाई? कुणाल शर्मा, वाई आर यू सैड? आर्टिफिशियल मीडिया, ठीक है. अब देखो, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, ब्रॉडली हम डायग्नोसिस को क्लासिफाई कर सकते हैं दो हेडिंग्स के अंदर. एक तो माइक्रोस्कोपी, ठीक है, माइक्रोस्कोपी, एंड दूसरा है सेरोलॉजी. सेरोलॉजी माइक्रोस्कोपी, जैसे डॉक्टर्स जो क्लिनिशियंस होते हैं, दे नाइसली फ्लॉन्ट देयर लिटमैन का स्टेथ और वो जगह जगह जाते हैं, ठीक है, दैट इज देयर ब्रेड एंड बटर. मेरा ब्रेड एंड बटर क्या है? माइक्रोस्कोप. बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसे गले में लटका के घूम नहीं सकती हूँ. लेकिन माइक्रोस्कोप के बिना ऑब्वियसली कोई माइक्रो का लैब नहीं चल सकता है. तो माइक्रोस्कोपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड माइक्रोस्कोपी, अब मुझे फटाफट से बता दो, मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्टेज बता दी सिफिलिस की, इन विच स्टेजेस डू यू थिंक इट इज सेंसिबल और इट इज लॉजिकल टू डू माइक्रोस्कोपी? सारी स्टेजेस में कर सकते हैं या किसी किसी स्पेसिफिक स्टेजेस में करनी चाहिए? बताओ. आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल टू आंसर. बताओ बताओ. ओके, इंद्राग्नी सेज प्राइमरी. ओके गुड, चलो मान लिया प्राइमरी है तो भाई करनी है. और प्राइमरी एंड सेकेंडरी, स्वप्नमोय घोष प्राइमरी सेकेंडरी, ओके टेकन. सारे लोग प्राइमरी बोल रहे हो, सेकेंडरी भी मैं एक्सेप्ट करूँगी. और टर्शरी, एनी बडी फील्स इन टर्शरी सिफिलिस माइक्रोस्कोपी विल हेल्प अस? मतलब कि यू एक्सपेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द पैथोजेनिक द ऑर्गेनिजम्स टू बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप? देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी में, क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है ना, एज टाइम पासस बाय इम्यून रिस्पॉन्स भी आएगा, एंटीबॉडीज बनेंगी, तो ऑर्गेनिज्म का लोड एलिमिनेट होते जाएगा. तो इट इज मोर सेंसिबल टू डू माइक्रोस्कोपी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेजेस. और सीरोलॉजी कब करोगे? अच्छा, सीरोलॉजी से पहले देखो, सीरो का क्या मतलब होता है भाई? सीरम. एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी. तो सीरोलॉजी क्या है? एक स्पेशलिटी है हमारी माइक्रोबायोलॉजी की, जिसमें हम सीरम की स्टडी करते हैं. या तो हम उसमें एंटीजन ढूंढते हैं या एंटीबॉडी ढूंढते हैं. अकॉर्डिंगली वी हैव गॉट एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट. ठीक है, जो चीज़ ढूंढनी है उसका ऑपोजिट सामान हम सीरम में डालते हैं. अगर मेरे को एंटीबॉडी अगेंस्ट एन ऑर्गेनिज्म ढूंढनी है, डिटेक्ट करनी है, तो मेरे पास रेडीमेड एंटीजन होना चाहिए, जो कि बाजार में यू नो कमर्शियली अवेलेबल एंटीजन्स आर अवेलेबल अगेंस्ट सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन स्टडीड, कैरेक्टराइज, ग्रोन, एंड ग्रो करने के बाद एंटीजन्स हैव बीन प्योरीफाइड वगैरह वगैरह. एंड दीज आर प्योरीफाइड एंटीजन्स आर अवेलेबल एज रिएजेंट्स. तो अगर आपको एंटीबॉडी ढूंढनी है अगेंस्ट एन ऑर्गेनिज्म, तो उस ऑर्गेनिज्म का कोई स्पेसिफिक एंटीजन मार्केट में यदि उपलब्ध है, अवेलेबल है, इट शुड बी देयर इन योर लैब. यू शुड बाय इट, कीप इट इन योर लैब एंड मिक्स इट विद द सैंपल ऑफ द पेशेंट. ठीक है, और ऑन दी अदर हैंड, अगर तो आपको एंटीजन ढूंढना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी को मिक्स कर दो. ठीक है, दीज एंटीबॉडी प्रिपरेशन आर ऑल्सो अवेलेबल. इज दिस क्लियर? ओके, तो सीरोलॉजी में हम ये करते हैं. और सीरोलॉजी में इट्स सेंसिबल टू डू सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, मतलब टू स्टडी द सीरम इन सेकेंडरी एंड टर्शरी स्टेजेस. एंड जहाँ तक हम सिफिलिस की बात कर रहे हैं, जो सीरोलॉजिकल टेस्ट्स अवेलेबल हैं टू मेक अ डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस, दीज आर एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट्स. ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ सिफिलिस की बात कर रही हूँ, नॉट अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन जनरल. द सीरोलॉजिकल टेस्ट्स विच आर अवेलेबल टू मेक अ डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस, दे आर द टेस्ट विच फोकस ऑन द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन द सीरम सैंपल ऑफ द पेशेंट एंड नॉट एंटीजन. ओके, तो ये एक रूल है, याद रखो. और जैसे मैंने बताया,
जैसे जैसे एक इन्फेक्शन की ड्यूरेशन बढ़ेगी तो एंटीबॉडीज आएंगी. तो प्राइमरी में तो यू डोंट एक्सपेक्ट एंटीबॉडीज टू बी सीन, ठीक है, हो भी सकती है. मान लो इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा सा जल्दी आ गया, 7 से 10 दिन में आ गया, ठीक है, लेकिन नॉट वेरी रिलायबल टू डू सेरोलॉजी इन प्राइमरी स्टेज. दैट्स द पॉइंट आई वॉज ट्राइंग टू मेक. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि चलो माइक्रोस्कोपी प्राइमरी एंड सेकेंडरी में. अब प्राइमरी और सेकेंडरी में से भी किस स्टेज ऑफ सिफिलिस में माइक्रोस्कोपी विल बी यू नो मोर लॉजिकल और रीजनेबल टू डू, बताओ. डिड यू गेट माई क्वेश्चन? प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं. किसमें माइक्रोस्कोपी करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, मतलब ज्यादा तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है? ठीक है, वेरी गुड. प्राइमरी मोर देन सेकेंडरी, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी सिफिलिस में जैसे मैंने अभी बताया सेरोलॉजी में भी नेगेटिव, सेरोलॉजी में भी नेगेटिव. और सेकेंडरी में ना, अब देखो देखो सेकेंडरी को मुझे हाईलाइट करने दो. सेकेंडरी मैंने माइक्रोस्कोपी के नीचे भी लिख दिया, सेरोलॉजी के नीचे भी लिख दिया, ठीक है, सॉरी इसके नीचे भी लिख दिया. लेकिन सेकेंडरी में अगर तो एंटीबॉडीज आती है ना सेरोलॉजी, हम फिर भी देखो माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, लेकिन सेरोलॉजी इज प्रेफर्ड बिकॉज सेरोलॉजिकल टेस्ट आर इजियर टू डू. सेरोलॉजी इज प्रेफर्ड बिकॉज इट इज ईजियर देन माइक्रोस्कोपी. It is easier than microscopy. It is easier than microscopy. ठीक है, तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपी की बात करें, माइक्रोस्कोपी में एक तो नंबर वन हमारा क्या आ गया, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी या डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी. ठीक है, इसमें क्या देखोगे, टू सी दी मोटिलिटी, टू इट इज डन टू सी दी मोटिलिटी. बट इसकी ना डिसएडवांटेज पता है क्या होती है, डिसएडवांटेज इसकी ये होगी कि मेरे पास मान लो सैंपल आया ना, अभी मुझे अभी सारा काम छोड़ के पहले मुझे वही देखना पड़ेगा. अगर मैंने देर कर दी तो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे, दे विल अपियर टू मी इवन इफ देर प्रेजेंट, दे विल आई मीन आई विल मिस देम. ठीक है, आई विल मिस द मोटिलिटी. सो द स्मियर हैज टू बी सीन इमीडिएटली. तो डिसएडवांटेज क्या है, the smear has to be seen immediately, immediately. This is one disadvantage. The other one is it does not differentiate, it does not, this kind of examination under dark ground microscopy of the sample, theek hai, so we have collected the sample from the shankar, it does not differentiate between pathogenic and non-pathogenic tryponemes, pathogenic and non-pathogenic tryponemes. जैसे मैंने बताया शुरू में कि जो मैंने टेबल बनवाया था pathogenic non-tryponemes का difference, तो genital area also has got non-pathogenic tryponemes as commensals, ठीक है, तो वो भी motile होंगे, तो you really can't say कि whether they are commensals or not, pathogenic or not, ठीक है, तो ये हो गया. दूसरा है, तो इससे एक better तरीका क्या है, DFATP test, that is direct fluorescent antibody, DFATP का मतलब है Treponema pallidum test. ठीक है, अब ये मजे का टेस्ट है, क्यों भाई, अगर मेरे लैब में अवेलेबल है इस टेस्ट की सुविधा तो मुझे आई नीड नॉट रश. अगर इफ आई एम डूइंग सम अदर वर्क तो आई कैन यू नो रिजर्व दिस टेस्ट टू बी लेटर, मतलब आई कैन सी द स्मियर लेटर. यू नीड नॉट सी द स्मियर इमीडिएटली, यू नीड नॉट, बिकॉज इसमें हम मोटिलिटी नहीं देख रहे हैं, इसमें हम ऑर्गेनिज्म के एंटीजेंस को डिटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, यू नीड नॉट सी द स्मियर इमीडिएटली. तो इसमें बेसिकली ना हम सैंपल को एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ ट्रीट करते हैं. ठीक है, तो ऑलरेडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आप सबको पता है कि भाई दैट एंटीबॉडी विच इज अगेंस्ट स्पेसिफिक विच इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय वन क्लोन ऑफ बी सेल्स.
ठीक है, मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे जो एंटीजन्स होते हैं ना, हमने एक ऐसा एक ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे एंटीजन्स हैं, हमने एक ऐसा एंटीजन आइडेंटिफाई कर लिया जो और किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसकी उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई, हमने ऐसे बी सेल्स ढूंढे जिनके विच कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट वेरी स्पेसिफिक एंटीजन ओनली। सो दीज आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, और इस प्रकार की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट सेवरल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर अवेलेबल इन द बॉडी। ठीक है, तो अगर तो हमारे को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साथ इंफेक्शन का शक है किसी पेशेंट में, तो हमने उस ऑर्गेनिज्म की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो ऑलरेडी उपलब्ध है मार्केट में, कमर्शियली अवेलेबल है, हम उन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को मिक्स करेंगे पेशेंट के सैंपल के साथ। तो इन अदर वर्ड्स, वी आर लुकिंग फॉर दी ऑर्गेनिज्म और दी एंटीजन इन दी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये मतलब है। तो इसमें जिंदा है ऑर्गेनिज्म या मर गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यू नीड नॉट सी द स्मियर इमीडिएटली, दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो मैंने अभी ब्रीफली समझाया आपको, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट होता है। सो देयरफॉर इट इज हाईली स्पेसिफिक, अनलाइक डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी विच इज नॉन स्पेसिफिक, यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक ट्रिपोनीम्स, दिस इज डिफरेंट, इट्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट, देयरफॉर इट इज हाईली स्पेसिफिक। गाइस आई होप यू आर विद मी एवरीबडी, इट इज हाईली स्पेसिफिक। तो डी एफ ए टी पी, डी फॉर धांसू, एकदम धांसू टेस्ट है ये, धांसू। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो इतना डिटेल में आप मतलब फार्मा में ही पढ़ते हो, तो ये तो भाई भाई ट्रेंड है आजकल। आने वाला जमाने में मॉलिक्यूलर टेक्निक्स जो आजकल हम कोरोना के लिए भी कर रहे हैं, आरटीपीसीआर द बेस्ट टेस्ट, एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बिकॉज एडवांस लेवल के डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, धांसू है ये। ठीक है, इसके अलावा बस एक बस क्या कहते हैं प्रोटोकॉल में लिख देते हैं, सिल्वर स्टेन कर सकते हो। ठीक है, सिल्वर स्टेन, ठीक है, कौन कौन से भाई, सिल्वर स्टेन, सिल्वर इम्प्रेग्नेशन स्टेन्स, सिल्वर इम्प्रेग्नेशन स्टेन्स। कोई अदिति है यहाँ पे आज, एनी अदिति, अदिति से कुछ आया, कभी कभी अदिति, एक तो गाना है वो नहीं, अदिति एकदम से मुझे कहाँ से याद आ गई। ठीक है, मेरी फ्रेंड का नाम भी अदिति है, वो अलग बात है, बट यहाँ पे मैंने क्यों बोला, कुछ सोच के ही बोला, ऐसे हवा में नहीं बोला है। अरे वाह, इंद्राग्नी घोष, एक्सीलेंट, ले वदिति एंड फॉन्टाना, ठीक है, आई वॉज लुकिंग फॉर दैट आंसर ओनली, एक्सीलेंट, लेव अदिति एंड फोंटाना। तो ये दो प्रकार के सिल्वर इम्प्रेग्नेशन स्टेन्स के नाम है। सिल्वर इम्प्रेग्नेशन मतलब कि पता है क्या है, जैसे मान लो अभी ब्रीफ में बता देती हूँ, नहीं तो स्टेनिंग और माइक्रोस्कोपी तो अलग क्लास ही होती है। तो ये जैसे तुम्हारा ये स्पायरल ऑर्गेनिज्म है ना, मैंने बताया कितना पतला होता है, तो सिल्वर इम्प्रेग्नेशन स्टेन में क्या करते हैं हम ना, सिल्वर सिल्वर से एक तरह से ना कोटिंग बनाते हैं इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, इसकी थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए, ताकि माइक्रोस्कोप में दिख जाए इसे। ठीक है, मैं आई एम यूजिंग द ग्रे कलर टू डेजिग्नेट द कोटिंग ऑफ सिल्वर, दिस इज द फंडा ऑफ सिल्वर इम्प्रेग्नेशन स्टेन। बेसिकली हम थिकनेस इंक्रीज करना चाहते हैं वेरी स्लेंडर स्पायरोकीट की। तो ले वदिति एंड फोंटाना आर द टू स्टेन्स। ले वदिति इज फॉर टिश्यू सेक्शंस, वेरी गुड, सल्फा सालाजीन, ओके गुड, एंड फोंटाना इज फॉर फिल्म्स, कौन सी फिल्म्स, ब्लड फिल्म्स, एफ फॉर फोंटाना, एफ फॉर फिल्म्स। ठीक है, अदिति, ठीक है, लव अदिति की जगह लेव अदिति सोच लो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तीन हो गया क्या, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी, डीएफए टीबी, धांसू और सिल्वर स्टेन हो गया, और एक फालतू सा स्टेन ऐसी बस लिखने के लिए है, फालतू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने शुरू में बताया था पैलेडम इसलिए नाम रखा गया था, बिकॉज जेम्सा स्टेन से ट्रीट करके देखा तो देखा कि भाई ये तो पेल कलर्ड है। ठीक है, जेम्सा स्टेन फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया, करते नहीं है ये, ठीक है, करते नहीं है। तो ये बेसिकली ये तो आपके क्या हो गए, आपके माइक्रोस्कोपी के मतलब के मेथड्स हो गए। अब अगर तो मैं सेरोलॉजी में आप पे आऊं, सेरोलॉजी के जो मेथड्स है ना, देखो सेरोलॉजी भी नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टेस्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक को और क्या बोलते हो, नॉन स्पेसिफिक और नॉन ट्रिपोनीमल टेस्ट्स, मतलब कि नॉन ट्रिपोनीमल
टेस्ट्स, जैसे मैंने शुरू में बताया था सारे के सारे सेरोलॉजी जो जो सेरोलॉजिकल टेस्ट्स हम कर रहे हैं सिफिलिस में, दे डिटेक्ट एंटीबॉडीज, ठीक है? तो एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट हो गए। और जो स्पेसिफिक हो गए उनको क्या बोलते हो? ट्रिपोनीमल टेस्ट्स, ठीक है? तो ढूंढ तो एंटीबॉडी रहे हैं, फिर क्या डिफरेंस है? एंटीजन में डिफरेंस है। तो नॉन स्पेसिफिक में हम ऐसा एंटीजन यूज करते हैं जो सिर्फ ट्रिपोनीमा पैलिडम में नहीं होता, और लोकेशंस में और जगह में और ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, मतलब नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। स्पेसिफिक या ट्रिपोनीमल टेस्ट में क्या होता है, हम एक स्पेसिफिक एंटीजन का प्रयोग करते हैं बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट एंटीजन ओनली, वो वाला एंटीजन जो सिर्फ ट्रिपोनीमा पैलिडम में पाया जाता है। तो दीज आर द कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है? लेकिन क्योंकि नॉन स्पेसिफिक की कुछ एडवांटेजेस हैं, सस्ते होते हैं, इसलिए पहले हम प्रेफर करते हैं कि पहले भाई ये करके देख लो, अगर तो ये पॉजिटिव आए तो हम फिर स्पेसिफिक पे जाएंगे कंफर्म करने के लिए। जो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में द एंटीजन यूज्ड इज, उसका नाम क्या है? कार्डियोलिपिन एंटीजन। कार्डियोलिपिन एंटीजन दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्स या बीफ का दिल, ऑक्स या बीफ का हार्ट, ठीक है? और स्पेसिफिक में हम एंटीजन जो यूज करते हैं, द एंटीजन इज गॉट फ्रॉम और ऑब्टेन्ड फ्रॉम पैथोजेनिक स्ट्रेन, इसका नाम होता है निकोल्स स्ट्रेन। निक, वेरी गुड, वेरी मतलब इंपॉर्टेंट, निकोल्स स्ट्रेन। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने अभी शुरू में ना इसलिए बताया था कि जो पैथोजेनिक स्ट्रेन्स होते हैं हम उनको ग्रो नहीं कर सकते लैब में, लेकिन अगर तो हमारे को ट्रिपोनिमल टेस्ट चाहिए तो हमें मतलब एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पैथोजेनिक स्ट्रेन चाहिए। तो जब ग्रो नहीं कर सकते कल्चर मीडिया में, तो फिर सप्लाई कहाँ से लाओगे एंटीजन, इस एंटीजन की, और कैसे करोगे फिर ट्रिपोनिमल टेस्ट? कर सकते हैं, हर चीज़ का देखो, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन, एवरी हर चीज़ का तोड़ है, हिंदी में बोलते हैं हर चीज़ का तोड़ है, ठीक है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो कल्चर मीडिया पे नहीं भी कर सकते तो की फर्क पैंदा है, तो कैसे ग्रो करोगे? निकोल स्ट्रेन नॉट कल्टीवेबल ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, बट इट कैन बी ग्रोन, बट इट कैन बी ग्रोन बाय इंट्रा टेस्टिकुलर पसाज, इट इज नॉट पैसेज, इट इज पसाज, बाय इंट्रा टेस्टिकुलर, टेस्टिस के अंदर, इंट्रा टेस्टिकुलर पसाज नॉट पैसेज, मैंने पहले ही बताया, इन रैबिट का टेस्टिस, मतलब कि एक रैबिट लिया, उसके टेस्टिस में हमने इस स्ट्रेन को डाला, फिर हमने उसी कुछ मतलब कुछ 1 to 1.5 months के बाद हमने टेस्टिस से एस्पिरेट किया सैंपल, और फिर दूसरे रैबिट के टेस्टिस में डाला। इस तरह से एक रैबिट से दूसरे रैबिट से हम इसको मेंटेन करते गए, ठीक है? रैबिट अमर तो है नहीं, कभी ना कभी तो वो टपकेगा, मरेगा, तो एक रैबिट से बात नहीं बनेगी, हम बस एक जिंदा एनिमल रैबिट को के टेस्टिस का प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग रैबिट्स का, इस ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए। अब आप पूछोगे कि ये आया कहाँ से फिर ओरिजिनली? एक्चुअली दिस निकोल स्ट्रेन वॉज आइसोलेटेड इन आई थिंक लेट 1920s फ्रॉम अ पेशेंट ऑफ न्यूरोसिफिलिस। तो ये तब से चल रहा है, उस एक पेशेंट से आइसोलेट किया गया था, और तब से लेकर आज तक इस तरीके से इंट्रा टेस्टिकुलर पसाज एंड रैबिट टेस्टिस इज द तरीका ऑफ मेंटेनिंग इट टिल डेट फॉर कैरिंग आउट द ट्रिपोनिमल टेस्ट, ठीक है? तो बेसिकली ये भी एक तरह का सब कल्चर होता है, सब कल्चर। लेकिन हम क्योंकि जब सब कल्चर शब्द का प्रयोग करते हैं व्हेन वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल मीडिया, बट व्हेन वी आर यूजिंग लिविंग बीइंग्स लाइक एनिमल्स, फॉर एग्जांपल रैबिट इन दिस केस, वी कॉल दैट सब कल्चर पसाज, ठीक है? तो आई थिंक जो दोज ऑफ यू आर इन सेकेंड ईयर, डू सी माई वीडियो ऑन कल्चर मीडिया अंडर द माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिकल कोर्स बाय डैम्स, वो भी ई मेडिकोस ऐप पे है। मैंने कल्चर मीडिया पूरा विस्तार पूर्वक में बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, इवन जो नीड नेक्स्ट भी दे रहे हो, दे शुड नो द बेसिक्स ऑफ कल्चर मीडिया, बिकॉज क्लिनिकल विनियट्स में दिया जाता है कल्चर मीडिया के बारे में कुछ ना कुछ, तो आपको वो बेसिक पता होना चाहिए. ठीक है, तो डू सी दैट वीडियो. आई थिंक इट्स अवेल इट्स इट्स फ्री इवन फॉर रेगुलर बैचेज ऑल्सो. ठीक है, नॉट श्योर बट डू चेक. एनी वेज, कल्चर मीडिया इज इम्पॉर्टेंट. तो ये तो दो प्रकार के सीरोलॉजिकल टेस्ट हो गए, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक. इसका नाम पता कर लिया हमने एंटीजन का. अब आते हैं टेस्ट कौन कौन से होते हैं. देखो, नॉन स्पेसिफिक या नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट कौन कौन से हैं. सबसे पहले एनीवन, सबसे पहले हम लिखेंगे वॉसरमैन टेस्ट. देखो, आजकल करते हैं नहीं करते हैं, इसके नाम से अंदाजा लगा दो. इसके नाम में पास्ट टेंस आ रहा है, भूतकाल, वॉज. आजकल नहीं करते, तो वॉसरमैन टेस्ट आजकल करते नहीं है. तो होता क्या है ये बस आपको एक चीज इसके बारे में पता होनी चाहिए, दैट्स ऑल. इट इज अ कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, CFT, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट. इनफैक्ट कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट सबसे पहले ट्रिपोनिमा पैलेटम के लिए ही डिवाइस किया गया था और उसका नाम रख दिया गया था वॉसरमैन टेस्ट. ठीक है, अच्छा, इससे मुझे कॉम्प्लीमेंट से याद आया. डू दोज ऑफ यू हु हैव मिस्ड माय प्रीवियस डेमो ऑन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, दैट इज देयर ऑन माय यूट्यूब चैनल, सो प्लीज हैव अ लुक. ठीक है, तो उसको देखना जरूर, कोई डाउट्स हो तो बिंदास पूछना. तो वॉसरमैन टेस्ट हो गया, दूसरा हो गया हमारा कैंस टेस्ट, KAHN. वो कांस फिल्म फेस्टिवल वाला कैन नहीं, दिस इज दूसरा कान, हमारा कान. कैंस टेस्ट, दिस इज नथिंग बट ट्यूब फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट और ट्यूब प्रेसिपिटेशन टेस्ट. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ब्रॉडली दो प्रकार की होती हैं, एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन में भाई क्या होता है, प्रेसिपिटेशन में सोल्यूबल एंटीजन कम्बाइंस विद इट्स एंटीबॉडी, एग्लूटिनेशन में पार्टिकुलेट एंटीजन होता है. प्रेसिपिटेशन में अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्रेसिपिटेट हो जाता है, बॉटम ऑफ द ट्यूब पे बैठता है, तभी उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. कभी कभी क्या होता है, ये बैठता नहीं है नीचे, प्रेसिपिटेट नहीं करता, बट ये फ्लोट करता है, तो उस केस में हम इस प्रेसिपिटेशन को फ्लॉक्यूलेशन बोल देते हैं. तो एफ फॉर फ्लॉक्यूलेशन, एफ फॉर फ्लोट, इसको ऐसे याद करना है. ठीक है, उसके बाद तीसरे पे आ जाओ. ओके, थैंक यू अन्वेषा. कैंस टेस्ट हो गया, तो ट्यूब फ्लॉक्यूलेशन या ट्यूब प्रेसिपिटेशन. फिर एक प्रेसिपिटेशन ट्यूब में हो रहा है और एक स्लाइड पे भी करा दो. VDRL टेस्ट, VDRL टेस्ट इज नथिंग बट स्लाइड फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट और स्लाइड प्रेसिपिटेशन टेस्ट और स्लाइड प्रेसिपिटेशन टेस्ट. VDRL का क्या मतलब है, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, VDRL, वेयर दिस टेस्ट वॉज डिवाइस्ड, कहाँ पे, इन एट यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, न्यूयॉर्क में. ठीक है, तो उस लैब के नाम के ऊपर ये टेस्ट का नाम रखा गया है. एंड लास्टली वी हैव गॉट दी RPR टेस्ट. RPR इज नथिंग बट रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट टेस्ट. RPR टेस्ट इज अ मोडिफिकेशन ऑफ VDRL, इज अ मोडिफिकेशन ऑफ VDRL. इज दिस क्लियर? यस इंद्रागिनी, ट्रस्ट इज ऑल्सो बींग डन, बट यू नो आजकल इन प्रैक्टिस वी आर डूइंग VDRL न्यूरोसिफिलिस के लिए, और अभी मोस्ट रैपिड आई मीन मोस्ट वाइडली यूज जो है वो RPR है. ठीक है, RPR. अब देखो, इसमें वॉसरमैन नहीं करते हैं, इवन कैन भी नहीं कर रहे हैं, पहले तो नहीं कर रहे हैं हम, कर फिर कौन सा रहे हैं. वन सेकेंड, VDRL, क्योंकि इससे न्यूरोसिफिलिस डायग्नोज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम कर रहे हैं RPR. अब RPR क्या है, मोडिफिकेशन ऑफ VDRL.
तो अगर मैं इन दोनों को, थर्ड एंड फोर्थ आर इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग सर्टन कंपैरेटिव इवेल्युएशन पॉइंट्स, जैसे कि VDRL जो है ना, VDRL इट इज डन ऑन सीरम प्लाज्मा CSF, RPR में सीरम प्लाज्मा एंड नॉट CSF, ठीक है. तो VDRL इज कैन बी यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ न्यूरोसिफिलिस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्नोसिस ऑफ न्यूरोसिफिलिस, ठीक है. तो RPR नहीं कर सकते फॉर न्यूरोसिफिलिस डायग्नोसिस. और VDRL में ना द रिजल्ट इज रेड माइक्रोस्कोपिकली, माइक्रोस्कोप के अंदर आपको यू नो प्रेसिपिटेट्स देखने होते हैं रेड माइक्रोस्कोपिकली. और इसमें द रिजल्ट इज रेड विद नेकेड आई विदाउट द एड ऑफ अ माइक्रोस्कोप बिकॉज द एंटीजन इज अटैच्ड टू, द एंटीजन इज अटैच्ड टू कार्बन पार्टिकल्स. कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन कौन से कलर का होता है? काले रंग का. और इसीलिए ना RPR, हमें एक RPR के कार्ड्स आर अवेलेबल, तो दोस कार्ड्स आर वाइट इन कलर, तो वाइट और ब्लैक का ताकि अच्छे से कंट्रास्ट आए. नाउ आई विल शो यू टू इंपॉर्टेंट पिक्स. ये देखो, दिस इज द VDRL स्लाइड. ऊपर ए एंड बॉटम पे बी इज VDRL टेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है. सो सॉरी, दीज आर द, दिस इज द स्लाइड, VDRL स्लाइड, ठीक है, विद सर्कल्स लाइक दीज. तो क्या होता है कि अगर हम इसमें पेशेंट का सीरम सैंपल डालते हैं या CSF डाल रहे हैं, तो वी वॉन्ट टू लुक फॉर क्लम्प्स. अब बॉटम वाली स्लाइड में लेफ्ट, आई होप द पॉइंटर इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. दिस इज दिस, इफ यू वी सी पिक्चर लाइक दिस अंडर द माइक्रोस्कोप, रिमेंबर वी आर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ VDRL अंडर माइक्रोस्कोप. तो दिस इज नॉन रिएक्टिव, इसमें कोई क्लम्प्स नहीं बने. बीच में देखो कुछ कुछ क्लम्पिंग दिख रही है, तो दिस इज यू नो डिस्क्राइब्ड एज वीकली रिएक्टिव. और बिल्कुल राइट में देखो, मोटे मोटे से अच्छे अच्छे नाइस क्लम्प्स बन गए, दिस इज स्ट्रांगली रिएक्टिव, ठीक है. दिस इज VDRL. अच्छा, एक और पिक्चर देख लो, माइक्रोस्कोपी वाली, बिल्कुल सबसे लेफ्ट वाली. कैन यू सी दिस इज डार्क ब्राउन माइक्रोस्कोप, तो आप स्पाइरल देख सकते हो, ठीक है, स्पाइरल ऑर्गेनिज्म दिख रहा है. बीच वाला इज DFA-TP, दिस इज डायरेक्ट फॉर एंटीबॉडी स्टेनिंग, मैंने बताया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट. और बिल्कुल राइट वाली सिल्वर स्टेनिंग, ये ब्लैक 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 ऑर्गेनिजम्स, ऑल दिस इज ब्लैक इनिश इज बिकॉज ऑफ द सिल्वर कोटिंग, ठीक है. गाइज, RPR पिक राइट नाउ आई डोंट हैव, बट आई पोस्ट इट, चलो लेटर ऑन, कोई नहीं. बट ये याद रखना, RPR के जो कार्ड्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, बिकॉज हमने क्या बोला है कि जो एंटीजन होता है दैट इज अटैच टू कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन इज ब्लैक इन कलर, ठीक है. तो इस कार्बन अटैचमेंट ऑफ द एंटीजन टू कार्बन हेल्प यू नो ऑब्विएट्स और एलिमिनेट्स द नीड ऑफ विजुअलाइजेशन अंडर द माइक्रोस्कोप. तो दिस इज प्लस. अच्छा, VDRL में यू हैव टू हीट द सीरम, हीट द सीरम बिफोर डूइंग द टेस्ट, हीट द सीरम एट 56 डिग्री सेल्सियस, अब तक 56 नाना पाटेकर. हीट द सीरम एट 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स टू रिमूव नॉन स्पेसिफिक इनहिबिटर्स, ठीक है. यहाँ पे द सीरम नीड नॉट बी हीटेड, द सीरम नीड नॉट बी हीटेड, ठीक है, नीड नॉट बी हीटेड. सो दिस इज अबाउट दी नॉन स्पेसिफिक और द नॉन ट्रिपोनीमल टेस्ट. अब आते हैं स्पेसिफिक या ट्रिपोनीमल. अच्छा, इससे पहले वॉट आर दी एडवांटेजेस ऑफ दीज टेस्ट, एडवांटेजेस ऑफ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट. नंबर वन, दे आर चीप, ठीक है. नंबर टू, इफ दे आर ट्रूली पॉजिटिव. ट्रूली पॉजिटिव का मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव आ गए तो आगे आपने कन्फर्म करने के लिए जब स्पेसिफिक टेस्ट कराए वो भी पॉजिटिव आ गए. मतलब इफ दे आर ट्रूली पॉजिटिव, they indicate ongoing disease, they indicate ongoing disease. क्या मतलब है? patient on treatment, if a patient is put on treatment these tests will become negative, ठीक है. they are prognostic
दे बिकम नेगेटिव विद ट्रीटमेंट, दे बिकम नेगेटिव विद ट्रीटमेंट, देयरफॉर आर प्रोग्नोस्टिक टेस्ट्स, देयरफॉर आर प्रोग्नोस्टिक टेस्ट्स, दे आर प्रोग्नोस्टिक टेस्ट्स. गाइज आई होप यू आर विद मी. एवरीबडी, इंद्राग्नि, सल्फा, सलाजीन, अन्वेशा, ठीक है. तो ये इनकी एडवांटेजेस होगी. डिसएडवांटेजेस क्या होंगी भाई? नंबर वन, फॉल्स पॉजिटिव. बेटर डिस्क्रिप्शन इज बायोलॉजिकली फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शंस. बायोलॉजिकली फॉल्स पॉजिटिव बीएफपी रिएक्शंस. ओके ओके, चलो गुड. आई डिडंट सी एनी एक्टिविटी इन द चैट बॉक्स, सो दैट्स व्हाई. ओके, जैसे मैंने बताया एंटीजन नॉन स्पेसिफिक है और दैट इज व्हाई दीज टेस्ट कुड बी एनकाउंटर्ड पॉजिटिव इन सर्टन अदर कंडीशंस आल्सो एंड नॉट जस्ट सिफिलिस. ठीक है, एक लंबी लिस्ट होती है बट मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है. ठीक है, अब जब गायनी की पोस्टिंग आप लोगों की होगी ना तो एक चीज देखना, एंटीनेटल वार्ड में जो लेडीज हैं उनका एक टेस्ट तो हम भाई हमेशा कराते हैं, कौन सा? सिफिलिस वाला टेस्ट, बिकॉज कॉन्जेनेटल सिफिलिस हमारे को मिस नहीं करने का. ठीक है, तो सबसे पहले पी से याद करोगे प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी, चलो बहुत बढ़िया, सब लोग जुड़े हुए हो, गुड गुड. पी से प्रेगनेंसी, आई से इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस. इन्फेक्शियस, अरे वाह एमिनम, वेलकम. ओके, नाम बड़े धांसू धांसू हैं कुछ लोगों के तो. इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है, आई एम एन. ठीक है, कॉज बाय एप्स्टीन बार वायरस, तो पी आई, इसको ऐसे याद करोगे. प्लस वायरल, आजकल एक वायरस ने आतंक मचाया हुआ है. ठीक है, तो आज तो वायरल, इसको देखो ऐसे सोचो, वायरल वी पी एच. आजकल किस चीज पे डिबेट हो रही है? एक वायरस की वैक्सीन के ऊपर, कि चलेगी या नहीं चलेगी. ठीक है, तो वायरल वैक्सीनेशन. ठीक है, मैं कोरोना वायरस की मतलब यहाँ पे ये वायरल का मतलब कोरोना वायरस नहीं है. ठीक है, बस याद कराने के लिए आई वॉज जस्ट मैंशनिंग. वायरल वैक्सीनेशन, वायरल निमोनिया एंड वायरल हेपेटाइटिस, ये इन जनरल है. सर्टन वायरल वैक्सीनेशंस, सर्टन वायरल निमोनियाज, सर्टन वायरल हेपेटाइटिस के केसेस में भी यू कैन गेट दीज टेस्ट एज पॉजिटिव. तो प्रेगनेंसी, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, वायरल बी पी एच, वैक्सीनेशन, निमोनिया, हेपेटाइटिस. उसके बाद आ जाओ ट्रॉपिकल डिजीजेस. गुड सल्फा सालाजी, ट्रॉपिकल बीमारियाँ. ठीक है, ट्रॉपिकल डिजीजेस जैसे कि भाई मलेरिया. ट्रॉपिक्स के बारे में सोचो, मलेरिया, काला आजार, लेप्रसी. लेप्रसी, ठीक है, ये हाई फाई देशों में, यूएस में तो, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो है ही नहीं, दे आर ट्रॉपिकल डिजीजेस, ट्रॉपिकल कंट्रीज में है. ट्रॉपिकल डिजीजेस हो गए. उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे कि SLE हो गया, सिस्टमिक ल्यूपस एराइडेमाटोसस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दैट इज RA. उसके बाद याद करो, ओए होए होता है ना, ओए होए पंजाबियों में, ओए होए ऐसे लिखते हैं ना, ओए होए. मैंने ओए तो छोड़ो, होए को HOI, होई. एच से क्या है? HIV इन्फेक्शन. ओ से ओल्ड एज. आई से इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज. ठीक है, इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज. ठीक है, तो भाई इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस होती हैं, लेस इंपॉर्टेंट वंस. आई हैव टोल्ड यू ऑल द इंपॉर्टेंट वंस, कि ये तो भूलनी ही नहीं है, किसी भी हाल में नहीं भूलनी है. तो ये होगी बायोलॉजिकली फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शंस. ठीक है, तो ये तो एक डिसएडवांटेज हो गई. और दूसरी डिसएडवांटेज क्या हो गई? एक पॉजिटिव रिएक्शंस हो गई और एक फॉल्स नेगेटिव. ठीक है, फॉल्स नेगेटिव. फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि सिफिलिस नहीं है फिर भी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है. फॉल्स नेगेटिव मतलब सिफिलिस है लेकिन टेस्ट नेगेटिव आ गया. तो फॉल्स नेगेटिव कब होगा, कब एनकाउंटर हो सकता है? बिकॉज ऑफ प्रोजोन फेनोमेनन. ठीक है, प्रोजोन फेनोमेनन. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में हम बताते हैं जोन्स, प्रोजोन फेनोमेनन, द जोन ऑफ इक्विवेलेंस एंड देन पोस्ट जोन. ठीक है, प्रोजोन फेनोमेनन इज बिकॉज ऑफ एंटीबॉडी एक्सेस. ओके ओके, नोटेड. AS इन
प्रोजोन एएस ओके फराजबीन, आई होप यू हैव बीन फॉलोइंग ऑल दिस वाइल बिकॉज नोबडी हैड कमेंटेड बिफोर, तो आई कैप टॉकिंग इन हिंदी, बट नो इश्यूज, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स, ठीक है, आई एम देयर टू क्लैरिफाई योर डाउट्स ऑल्सो. ऑल राइट, सो प्रोजोन फिनोमिनन इज बिकॉज ऑफ एंटीबॉडी एक्सेस. वेन देर आर टू मेनी एंटीबॉडीज एंड वेरी लेस एंटीजन, डू नॉट एक्सपेक्ट नाइस बिग इम्यून कॉम्प्लेक्स लैटिसेस टू बी फॉर्म्ड. सो वेरी स्मॉल इम्यून कॉम्प्लेक्सेज विल बी फॉर्म्ड विच विल नॉट बी डिटेक्टेड. दैट इज वाई द टेस्ट विल बी इंटरप्रेटेड एज नेगेटिव. आई होप दिस मेक सेंस. ओके, एंड हाउ कैन यू प्रिवेंट प्रोजोन फिनोमिनन? फिनोमिनन प्रोजोन फिनोमिनन कैन बी प्रिवेंटेड बाय डायल्यूशन ऑफ द सीरम. Prozone phenomenon can be prevented by dilution of the serum. By diluting the serum, Farajabin, have you joined just now? Because you did not mention anything before. Okay. No issues. Nobody said anything. That's why I continued. Okay. Why didn't you tell before then? I thought everybody was okay. That's why I continued. Okay. But you know, talking in Hindi. But okay, fine. Noted. Okay, it can be prevented by dilution of serum. Okay. Okay, Farajabin, if you have missed anything at the end of the class, I'll reserve 10 minutes for doubts. You are more than welcome to ask me. Okay. So it can be prevented by dilution of the serum. Basically, by diluting the serum, what you are doing, you are making the antibodies move away from each other so that each antibody can grab hold of the antigen. So a lattice of antigen antibody complex can be formed and the reaction cannot be missed. Okay, Farajameen, are you with me? So this is false negative. Now moving ahead with treponemal or specific tests. Treponemal or the specific tests. Now the first test which I'm going to mention over here is, which we are not doing any any longer, but you know, sometimes it makes me wonder ki when we are not doing these tests till the questions sometimes are asked on these tests, obsolete tests. So for that purpose I'm telling you, number one is TPI, that is Treponema pallidum immobilization test. Treponema pallidum immobilization test, TPI. Immobilization test meaning we are trying to immobilize Treponema pallidum. Okay, so what we are doing in this test, we have got live treponemes with us, okay, which we have maintained in the lab, and we, so those live organisms will be motile because we know our spirochetes are motile. So what do? We take those live treponemes, okay, treponemes, plus we mix them with the serum of the patient in which we are expecting the presence of antibodies. If the serum has got antibodies, what will happen when you mix them, the serum containing the antibodies with live treponemes, antigen antibody complexes or immune complexes form. Okay, but how will you know that these complexes have been formed? Okay, so what do? You add complement. Complement is added. Now which pathway is activated when you add, when you make complement meet with antigen and antibody complexes? Do see my demo video which I took before on the complement system. It's there on my YouTube channel. Okay, classical pathway is activated, right? So when you add complement, after you add serum of the patient, what will you see? The motility is lost of these live treponemes which we added before, because now they are no longer, because they no longer will be live now. Now they will be killed because of complement activation. Motility is lost as seen under dark ground microscope. So for this test, what do you need? You need live treponemes with you. You need to have dark ground microscope. And remember, it is very difficult to maintain live treponemes in the lab, and dark ground microscope also is not available in all the labs. Okay, so TPI test is not done nowadays. Okay, but do understand the basis of this test, and this is the basis. Then secondly, you have got FTA absorption test.
FTA absorption test. FTA means fluorescent treponemal antibody. What is this test based on? It is based on indirect immunofluorescence. Indirect immunofluorescence. All right. Now, the third one. Overall, the most sensitive and specific test for diagnosis of syphilis is TPPA, that is Treponema pallidum particle agglutination test. Treponema pallidum particle agglutination test. This by far is the most sensitive and most specific test for syphilis. Okay, TPPA. Okay. Now, guys, over here, let me tell you that recently I had posted certain flashcards on the, flashcards on the diagnosis of syphilis, known as syphilis diagnostic pearls. They are there on the DAMS exclusive club. Okay, do have a look. Again, if you can't find it, just connect with me on Instagram, inbox me on Instagram, I'll help you. They are there on DAMS exclusive club. They are there on my Instagram page. Okay, and my FB Facebook page also. Okay, so I have summarized 10 points regarding 10 important points regarding the diagnosis of syphilis. Please, please do not miss out on those important points. Theek hai? Right? So this is about the diagnosis. Now let me give you some scenarios. Okay, suppose VDRL test is there and TPPA is there. VDRL, if it is positive, and if TPPA also is positive, what is your conclusion going to be? What is your conclusion? What shall I write? Does the patient has a syphilis or not? Answer, answer. Yes, very good. It is true positive. The patient has syphilis. What if VDRL is positive and TPPA is negative? It means it is false positive. It is false positive because of some biologically false positive reaction. The patient could be pregnant or could have IMN, vagera, vagera. The list you know. All right. Now tell me, if suppose, can there be a situation where VDRL is negative but TPPA is positive? Although I have not told it yet, but I'm going to tell it now. Okay, good. Everybody's answering correctly. False positive. Now I want you all to think of the possibility of a patient where at some point of time VDRL was no, VDRL has become negative and TPPA is still positive. What you can think of? It indicates past infection. Past infection. You know why? I told you the non-specific tests become negative with treatment. अब यहाँ पे जस्ट मेक अ नोट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, द स्पेसिफिक टेस्ट, द डिसएडवांटेजेस दैट दे आर कॉस्टली, दे आर दिस इज देयर डिसएडवांटेज. नंबर वन, ठीक है. ऑल्सो द स्पेसिफिक टेस्ट दे आर अदर डिसएडवांटेजेस, दे रिमेन पॉजिटिव फॉर वीक्स आफ्टर ट्रीटमेंट, सो दे कांट बी यूज फॉर प्रोग्नोसिस. ओके, सो दे आर नॉट प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, दे आर नॉट प्रोग्नोस्टिक टेस्ट. ठीक है, तो इफ वीडीआरएल इज नेगेटिव एज टीपीपी इज पॉजिटिव, इट इंडिकेट्स पास्ट इन्फेक्शन. मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली दिस मीन्स क्योर, दिस मीन्स क्योर. द पेशेंट हैज बीन क्योर्ड ऑफ सिफिलिस एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ. बट इट मे ऑल्सो मीन, इट मे
ऑल्सो मीन नॉट क्योर्ड, नॉट क्योर्ड. यू नो वाई इट मे ऑल्सो मीन नॉट क्योर्ड? बिकॉज 30% ऑफ पेशेंट्स ऑफ सिफिलिस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन स्ट्रेट फ्रॉम हैरिसन, 30% ऑफ पेशेंट्स ऑफ सिफिलिस हु डू नॉट गेट एनी ट्रीटमेंट, दे बिकम वीडीआरएल नेगेटिव. दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, दे बिकम वीडीआरएल नेगेटिव. आई रिपीट, मोस्ट ऑफ द केसेस में दिस दिस वीडीआरएल पॉजिटिविटी एंड यू नो टीपीपीए, सॉरी वीडीआरएल नेगेटिविटी एंड टीपीपीए पॉजिटिविटी इज गोइंग टू मीन दैट द पेशेंट हैज क्योर्ड एंड दिस इज अ केस ऑफ पास्ट इन्फेक्शन. बट इट कैन ऑल्सो मीन नॉट क्योर्ड बिकॉज 30% पेशेंट्स ऑफ सिफिलिस हु डू नॉट गेट एनी ट्रीटमेंट दे बिकम वीडीआरएल नेगेटिव, दे बिकम वीडीआरएल नेगेटिव. ओके येस यू आर राइट, सल्फासलाजिन लाइम्स डिजीज ऑल्सो, बट यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट पेशेंट्स हु आर ट्रूली पॉजिटिव फॉर सिफिलिस. ठीक है, ऑल राइट, इज दिस क्लियर? नाउ ट्रीटमेंट, नाउ यू नो पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस फॉर एनी स्टेज, एनी स्टेज. एंड टचवुड वी आर नॉट एनकाउंटरिंग दैट मच ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस ऑल्सो. सो वॉट डू वी गिव? वी एक्चुअली गिव लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन, लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन, दैट इज बेंजाथीन पेनिसिलिन. वाई कैन एनी वन थिंक ऑफ द रीजन ऑफ यूजिंग लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन और बेंजाथीन पेनिसिलिन? डज दिस ऑर्गेनिज्म हैज सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज ऑफ विच वी आर चूजिंग लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन? एनीबडी? दिव्या, ओके लेट मी क्लैरिफाई द डाउट ऑफ दिव्या. दिव्या, दिस सिचुएशन, द लास्ट सिचुएशन विच आई सेड, इमेजिन देर वॉज अ पेशेंट हु इनिशियली हैड वीडीआरएल यू नो पॉजिटिव एंड देन टीपीपीए वॉज डन एंड इट केम टू बी पॉजिटिव. सो इट वॉज कंक्लूडेड दैट दिस पेशेंट हैज सिफिलिस. नाउ ट्रीटमेंट हैज स्टार्टेड इन दिस पेशेंट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट VDRL has become negative, but TPPA never become, TPPA continues to remain, you know, positive for weeks after treatment. So that scenario I was trying to describe, that this means past infection, meaning the patient has become cured. Okay, because the patient was responding to the drugs, the patient has cured, and that is why VDRL has become negative. So retrospectively we are thinking. Long acting penicillin, you know why it is given? Because the because we want the drug to persist at the site of infection for a long time, because you know the generation time of this organism, the generation time of the organism is approximately 30 hours. 30 hours generation time. What is the definition of generation time of an organism? Generation time is the time required by one organism to produce its own Xerox copies, the time for binary fission. Okay, so that is 30 hours in treponema pallidum. That is why we give long acting penicillin or benzathine penicillin. But this has got poor penetration in CSF. So for neurosyphilis we don't recommend benzathine penicillin because of its poor penetration into because it cannot cross the blood-brain barrier. For neurosyphilis, what do we prefer? For neurosyphilis, penicillin G or crystalline penicillin. VDRL, Shruti Manohar, VDRL is confirmatory. Okay. Okay, I hope Divya it is clear. Okay, see that's what I have been emphasizing upon all this while. Microbiology is not about ratification. Okay. You have to rectify or memorize a lot of stuff in all the 19 subjects. But if you apply logic in all these 19 subjects, including microbiology, so remember it's a misconception that in micro you have to memorize everything. No, there's a logic behind a lot of things. So it's very easy to remember things if you apply
इफ यू ट्राई टू रीजन आउट थिंग्स वाई दिस इज लाइक दैट, ओके, वाई सम थिंग्स आर लाइक सम थिंग्स. सो दिस इज अबाउट द ट्रीटमेंट एस्पेक्ट. एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग, न्यूरोसिफिलिस इज अनफॉर्चुनेटली मेकिंग अ कम बैक. ओके, अच्छा, वन मोर पॉइंट, अ पेनिसिलिन इज नोटोरियस फॉर कॉजिंग एलर्जी इन सर्टन पेशेंट्स. सो इन केस ऑफ पेनिसिलिन, इन केस ऑफ पेनिसिलिन एलर्जी यू कैन गो फॉर एराइथ्रोमाइसिन और यू कैन गो फॉर डॉक्सीसाइक्लिन. बट रिमेंबर, डॉक्सीसाइक्लिन शुड नॉट बी यूज इन प्रेग्नेंट लेडीज बिकॉज इट इज टॉक्सिक टू द फीटस. Okay, and remember, penicillin can be given during pregnancy also. But if suppose the pregnant lady is allergic to penicillin, then go for erythromycin and not doxycycline. Is this clear, everyone? Okay. I think I've taken longer than expected. Okay, guys. Okay, some homework I'm going to give you all. Okay, some homework. Okay, by the way, a very happy new year to all of you. Start this note with the hope that this pandemic ends very, very soon. We get a very good vaccine. Alright, so the homework which I am going to give all of you is number one, what you need to do, you see the syphilis flashcards, flashcards which I have posted, okay, you can find them on my Instagram, page, on my Facebook page as well. Wait, class is not over, just I'll take a couple of minutes of yours. Instagram page, on my Facebook page, and YouTube on my YouTube channel, that is Dr. Mamta Java MJ Micro, that is the name, just type my name. See that compliment video which I had I took the demo for before, and I'm there on Telegram also. You can find the DAMS microbiology doubt solving group and the DAMS microbiology channel, and I'm there on Twitter also. So you see the syphilis flashcards, that the first homework you need to do, okay. And this is just a demo lecture for the DAMS Ultimate Live App course. You can enroll in this course and you will enjoy the teaching by all the faculties. You will get a lot of benefits, like the hard copies of the concept books will be given to the first 1000 subscribers. You'll get the QBank live doubt solving sessions, right? And you can get 10% discount by using a lot of referral codes which every faculty is giving you. For instance, mine is DRMAMED 981. Okay, this is for the 10% discount. All right. If you have any queries regarding the fees and all, please connect with any of us. Okay. Wait. I'm now going to take your doubts. Just one second. Okay. Wait. Okay. This is this is homework for you. Okay, homework for me, guys. I'm running out of time because your another demo is going to start and technical team has to connect. Homework for me, number one, I will post something, rule of six for syphilis. Okay, and Jerish-Shimmer reaction also I will post. Okay, this is homework for me. Don't worry, wait for these flashcards on these two topics in a couple of days. Who is F? Okay, this was the demo class for the DAMS Ultimate Live App course. Now this is demo is over. All right. So, अच्छे से पढ़ो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, look after yourself and your family. ठीक है? और क्या कहते हैं? सारी precautions लो, sanitizer use करो, दिल खोल के कंजूसी मत करो, mask वास पहनो. And I hope 2021 turns out to be great for all of you. भगवान करे सबकी इच्छा पूरी हो. मे ऑल योर विशेस कम ट्रू. आकांक्षा, इफ पेनिसिलिन एलर्जी इज देयर, वी गो फॉर मैक्रोलाइट्स लाइक एराइथ्रोमाइसिन या फिर क्या कहते हैं डॉक्सीसाइक्लिन.
ओके आई थिंक समबडी ओके एनी डाउट्स यू हैव, बिकॉज आई थिंक आई कैन जस्ट स्टे फॉर फ्यू मोर मिनट्स ओनली. योर नेक्स्ट डेमो क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट एट 7:15 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके एंड गाइज अच्छा दिस वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो एंड ऑन डैम्स दिल्ली चैनल ऑल्सो. ठीक है, इन केस यू हैव मिस्ड एनी पार्ट ऑफ दिस डोंट वरी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. ओके यू कैन इनबॉक्स मी ऑल्सो, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर 9958684981. इफ यू हैव एनी डाउट्स इवन फ्रॉम टूडेज क्लास प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद मी. ठीक है, एंड ऑफकोर्स यू विल गेट द मेंबरशिप ऑफ द डैम्स एक्सक्लूसिव फेसबुक क्लब इफ यू एनरोल इन दिस कोर्स. बेटा आकांक्षा, ट्रीटमेंट फॉर पेनिसिलिन एलर्जी वी हैव गॉट डीसेंसिटाइजेशन टेक्निक्स. देखो एलर्जी का ट्रीटमेंट एक अलग ही टॉपिक है, ठीक है, वो अभी मैं अभी इतने कम टाइम में 2-3 मिनट में नहीं बता सकती हूँ. ठीक है, देर इज समथिंग कॉल्ड एज डीसेंसिटाइजेशन थेरेपी. ठीक है, आज मैंने आपको ड्रग्स के नाम बताए हैं. ओके श्रुति मनोहर, योर डाउट श्रुति मनोहर, वी नीड टू कोरिलेट विद सिम्टम्स ऑल्सो ऑफ द पेशेंट. ओके इफ द पेशेंट इज एंड प्लस वील गो विद द सीएसएफ फाइंडिंग्स, वील लुक फॉर यू नो लिम्फोसिटिक प्रेडोमिनेंस इन द सीएसएफ. सो जस्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर टेस्ट, वी नीड टू आस्क द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, एनी हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट और समथिंग. ओके सो ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग अ डायग्नोसिस. ओके आकांक्षा डेफिनेटली, लेट मी गो बैक टू द कार्डियोवास्कुलर सिफिलिस स्लाइड. वेट ओके नॉट जस्ट सिफिलिस गाइज, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, एनी डाउट कुछ है बिंदास जस्ट कनेक्ट विद मी, मैसेज करो, बताओ क्या चीज नहीं समझ में आ रही. आई ट्राई टू टेक अ सेशन, डू अ वीडियो और डू सम पोस्ट इन सम वे और द अदर वे, आई ट्राई टू डेफिनेटली हेल्प. अच्छा ये रहा कार्डियोवास्कुलर सिफिलिस में क्या है. देखो इसमें देर इज प्रॉब्लम इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल. विच ब्लड वेसल्स? असेंडिंग एओर्टा एंड आर्च ऑफ एओर्टा. ठीक है, वॉट इज द प्रॉब्लम? ऑब्लिटरेटिव एंडाइट्राइटिस. दिस विल बी टॉट टू यू, दिस इज अ पैथोलॉजी टॉपिक विच विल बी कवर्ड इन पैथोलॉजी. इन अ नटशेल इफ आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब, देर इज नैरोइंग ऑफ द ल्यूमन ऑफ द आर्टरीज लीडिंग टू देयर इन्फ्लेमेशन, लीडिंग टू देयर ऑब्लिटरेशन. एंड विच ब्लड वेसल्स आर बींग अफेक्टेड? दिस प्रॉब्लम ऑब्लिटरेटिव एंडाइट्राइटिस इज अकरिंग इन द वासा वेसोरम सप्लाइंग असेंडिंग एओर्टा एंड आर्च ऑफ एओर्टा. वासा वेसोरम मीन्स दोज ब्लड वेसल्स विच सप्लाई blood vessels. The blood vessels like arch of aorta and ascending aorta, they also need nutrition, so they are supplied by their own blood vessels. Such blood vessels supplying another blood vessels are known as vasa vasorum. And there is vasa vasorum ka kya hota hai? Obliterative endarteritis. So enough nutrition is not being received by ascending aorta and arch of aorta, so the wall becomes weakened, and weakening is going to manifest as aneurysm. Is this clear, Akanksha? बीडीआरएल में क्या पूछना है? दिस इज द बीडीआरएल स्लाइड. ओके आकांक्षा, आर यू देयर आकांक्षा? इज कार्डियोवास्कुलर सिफिलिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? क्लियर टू यू? ओके एनी डाउट्स? अंजलि कुम्भारे, बी डी आर एल वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट. इट वॉज डिवाइज इन दिस लैब, दिस पर्टिकुलर टेस्ट. इट्स अ टाइप ऑफ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट. सौम्या सिंह सिंगर, यू मीन टू आस्क अबाउट द किट ऑफ बी डी आर एल, लाइक वॉट एग्जैक्टली? आई एम बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम. Don't worry, you can inbox me or just tag me on the Dams Club. What specific points you want, I'll post. Okay guys, then I call it a day now. Okay, bye everybody. Take care and God bless all of you.